हाँ, तो मैं ये कह रहा था, सबसे पहले तो ये समझिए कॉइन होता क्या है। कॉइन ये होता है जिस पे ये लिखा हो कि इसकी वैल्यू क्या है। अब कॉइन दो तरह के हो सकते हैं, समथिंग जिसकी फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, और समथिंग इन विच इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू। ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो ऑनलाइन वालों के लिए मैं रिपीट कर देता हूँ, द क्वेश्चन ये है कि क्या करेंसी या कॉइन्स स्टार्टेड इन अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड। दिस इज द ब्रॉडली योर क्वेश्चन। सो अर्ली वैदिक पीरियड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट द इट वॉज अ पेस्टोरल काइंड ऑफ सोसाइटी एंड दे वर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ कॉइन्स और एक्सचेंज मटेरियल। वॉट दे वर डूइंग बार्टर सिस्टम। एंड इन लेटर वैदिक पीरियड ऑल्सो आई टोल्ड यू दैट दे वर डूइंग बार्टर सिस्टम, नॉट नो प्रेजेंस ऑफ करेंसी। नाउ वी विल मूव टू द डाउट विद इन दिस एस्पेक्ट दैट दे वर यूजिंग निष्का एंड सतनाम, वर दे कॉइन्स। सो माई रिप्लाई इज नो, दे वर नॉट कॉइन्स, दे वर एट बेस्ट जस्ट लाइक ऑर्नामेंट्स और बुलियंस विच वर यूज फॉर हायर मनी ट्रांजेक्शंस, बट दे वर नॉट कॉइन्स। लाइक आपके पास गहने हैं मान लो, तो आप बार्टर सिस्टम में आपको लगा कि सर पानी की बोतल दे दो, ये लो सोना, समथिंग लाइक दैट। तो देवर नॉट करेंसी। करेंसी का मतलब क्या होता है? कोई इशू, इशूरी अथॉरिटी होना चाहिए जो इशू करे उसे। इफ समबडी इज नॉट इशूइंग, हाउ कैन यू से दे आर कॉइन्स? समवन हैज टू इशू देम, पीपल हैज टू यूज देम, एंड समवन हैज टू एक्सेप्ट देम। इफ यू आर गिविंग, अदर इज नॉट एक्सेप्टिंग, इट इज नॉट कॉइन। कॉइन और करेंसी हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय ए ब्रॉड ग्रुप ऑफ पीपल। तो मैडम गलत है, आप गलत लोगों की बात मत पढ़िए। तो मैडम गलती तो इंसानों से ही होती है ना, आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा या बोलूंगा कि गलत है, इसको ठीक कर लो। ठीक है, और पूछिए। हाँ क्या थी मैडम? हाँ तो क्या सही होगा? हाँ क्या लिखा है, आप स्टेटमेंट पढ़िए। देखो क्वेश्चन में तो गलत और सही स्टेटमेंट हो सकते हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट मी, यू आर टॉकिंग अबाउट के एक्सप्लेनेशन, इन एक्सप्लेनेशन इट हैज बीन रिटन, यू आर सेइंग कि इन वन ऑफ द आंसर्स एक्सप्लेनेशन इट हैज बीन रिटन दैट रूलरशिप और किंगशिप वॉज हेरिडेटरी इन अर्ली वैदिक एज। दिस इज योर क्वेश्चन। आई एम सेइंग दिस इज नॉट द केस। अर्लियर पीरियड, इन अर्ली वैदिक पीरियड दे वर इलेक्टेड बाय समिति। तो वेन समवन इज गेटिंग इलेक्टेड बाय ए काउंसिल और ए मेंबरशिप और एक असेंबली, डू यू थिंक इट्स हेरिडेटरी? और भारत एक खोज देखा है? भारत एक खोज वॉज ए सीरियल बेस्ड ऑन द बुक ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, अवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इन विच श्याम बेनेगल मेड ए हिस्टोरिकल डॉक्यू ड्रामा। भारत एक खोज इन विच इट इज रेडी बी अवेलेबल वेयर? यूट्यूब, यू कैन गो एंड वॉच इट ऑन यूट्यूब। इन विच द वैदिक एज वॉज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड, इन दैट वैदिक एज अर्ली वैदिक पीरियड यू विल सी द हाउ दे वर इलेक्टिंग देयर लीडर्स, सम काइंड ऑफ वोटिंग सिस्टम। एनसीईआरटी पढ़िए, नहीं पढ़िए? देखो एनसीईआरटी पढ़नी है, एंड विद इन सम डेज, बाय नेक्स्ट वीक आई थिंक यू विल गेट बुकलेट प्रिपेयर्ड बाय मी। उसमें मटेरियल है एंशियंट मिडाइवल इंडिया का, बुक फॉर्म में आपको मिल जाएगा। यू हैव नोट, उसको भी आप कंसल्ट करिए, उसमें सारी चीज़ें हैं मोर देन वॉट इज हैज बीन कवर्ड इन एनसीईआरटी। पर एनसीईआरटी फिर भी पढ़िए क्योंकि एनसीईआरटी गवर्नमेंट। दो मिनट में। हाँ क्या तो कहाँ पर? व्हाट डू यू मीन बाय थियोक्रेसी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वी विल सी। पर इससे ये भी पता लगता है कि आप क्या ड्रॉ गलत कर रहे हैं, इन्फ्रेंसेस। हाउ? वॉट यू मीन बाय थियोक्रेसी? थियोक्रेसी, क्रेसी इज सिस्टम। थियोक्रेसी इज सिस्टम जहां पे रिलीजियस हेड्स वर डिराइव वर कॉलिंग शॉट्स, यानी पावर में कौन है? प्रीस्ट। कल ही मैंने बताया था रिलीजियस रिलीजियन वॉज नॉट कॉलिंग शॉट्स इन आईवीसी। आईवीसी वॉज ए सेक्युलर सिविलाइजेशन बिकॉज देर वॉज नो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी और देर इज नथिंग कॉल्ड टेम्पल। तो अगर मान लो हेड ही टेम्पल का प्रिस्ट है और टेम्पल ही नहीं बनाया क्या उसने, क्या हो गया, गलत हो गया?
तो ये तो अगर ये तो हमने इन्फ्रेंस किससे निकाला, जो कल बताया उसी से निकाला ना। निष्का वॉज गोल्ड एंड सतनाम वॉज सिल्वर, कृष्णा क्या? कृष्णा का, कृष्णा भगवान का नाम है क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं, कलर में कैसे होते हैं, सांवले काले। तो कई बार इसको आयरन के लिए भी यूज किया गया है। कृष्ण क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं, सवाल क्या है? कॉइन नहीं है यार, कब कहाँ कौन से एज की, क्या अभी तक मैंने कॉइन पढ़ा है? अभी कॉइन नहीं आया, कॉइन को आज हम जन्म देंगे। गुड मॉर्निंग सर, एनी वन प्लीज रिपीट विच बुक सर आई ज्वाइन नाउ विच बुक सर। अच्छा रुको भाई रुको, एनसीआरटी और जो बुकलेट है जो अभी फिर हम कर ली है आपको मिल जाएगी, वो आगे बढ़े चालू करें। अच्छा मैं ये जो आपको मिल रहा है ये मेटेरियल नहीं है, ये क्लास नोट्स हैं। तो आप इसको घर जाके लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि इसको मैं बाइंड करा के पढ़ लूंगा। देखो देखो दो तरीके हैं, मैं चाहता हूँ ये आपकी बुकलेट मतलब आपके पास लिखे हुए हों। क्यों? क्योंकि आप जब खुद के हाथों से लिखते हैं, ये क्लास नोट्स हैं, मैं अगर डिक्टेट कराता तो ये कहाँ लिखा होता सर? इसको ये मटेरियल नहीं है, ये आपके मेन नोट्स हैं, जो अगर मैं डिक्टेट कराता तो आपके क्लास नोट्स में लिखे हुए होते हैं। पर वी आर गिविंग मोर टाइम टू अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, दैट इज वाई आई एम गिविंग यू इट इन अ प्रिंटेड फॉर्म, बट दिस इज नॉट मेटेरियल, दीज आर क्लास नोट्स। तो और ये ज़्यादा बड़े भी नहीं अगर आप देखोगे तो प्लीज मेक ए हैबिट एंड राइट दीज डाउन इन योर नोटबुक्स। जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो एक तरह से आउटलाइन है जो मैं दिखा रहा हूँ, और ये उसकी जान है, ये उसका स्ट्रक्चर है। तो इसको आप क्या करो, इसको आप अपने नोट्स में लिख लो, और जो मेटेरियल आपको मिलेगा उसको बुक फॉर्म में यूज करो। वरना क्या होगा ना, अगर आप इसको लिखोगे नहीं तो आप इसको बुक समझ लोगे और उसको रिफरेंस मेटेरियल समझ लोगे, उसको दुनिया कभी नहीं पढ़ोगे, इसी को बार बार पढ़ते रहोगे। और मेमोरी ये बोलती है, इट विल बी इजी टू रिमेंबर इफ समथिंग इज रिटन बाय यू एंड यू आर रीडिंग इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि देन यू यू कैन रिमेंबर इन ऑन विच पेज ऑफ रजिस्टर इट इज बीन रिटन बाय यू। पर इसमें ऐसा नहीं होगा, ये सब एक जैसे हैं आपके लिए, बाकी आपकी मर्जी। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ समझा नहीं, ऐड ना करें मतलब। नहीं, वो तो लिखो, देखो सब इसमें नहीं है, क्योंकि कुछ तो मैं देखो। और एक और बात मुझे आपसे कहनी है, मेरे पास 2 घंटे, इसमें सब चीज़ नहीं लिखी हुई, सब चीज़ यहाँ है। तो इफ़ यू गिव मी एम्पल टाइम टू कंप्लीट वॉट एवर आई एम सेइंग आई विल बी एबल टू डिलीवर यू मोर, वरना ये या फिर इसी से खुश हो जाओ। तो इफ यू लेट मी कंप्लीट वॉट एवर आई वॉज सेइंग मैनी थिंग्स विल इमर्ज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वॉट एवर आई एम टीचिंग यू, तो लेट मी कंप्लीट, गिव मी फुल 2 आवर्स एंड यू विल रिसीव मच मोर वॉट एवर इज बीन रिटन यू। ठीक है, और मैं क्या कह रहा था, हाँ आप कह रहे हैं जो मैं लिखवा रहा हूँ उसमें कई चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो इसमें नहीं है। आरजू जी, वी आर अपलोडिंग दिस थिंग ऑल्सो ना? हाँ अपलोड हो रखा है, आज वाला तो बाद में मिलेगा ना, कर दिया व्हाट्सएप ग्रुप में कर दिया है। ठीक है आप देख लीजिए आज वाला भी, पर ये आपको रोज नहीं मिलेगा, जब मुझे लगेगा कि हम लिखवा नहीं पा रहे तब मिलेगा, तो ये आपको रोज नहीं मिलेगा। ठीक है, पर ये इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप समझने में ज़्यादा ध्यान रखें, वरना लोगों की क्या टेंडेंसी होती है, लिखते रहते हैं और समझते नहीं है। तो मेरा मोटिव है अंडरस्टैंड एवरी थिंग हियर देन गो एंड रीड एंड कॉपी, और वॉट एवर आई एम टीचिंग यू हियर दे माइट बी समथिंग मोर देन वॉट एवर हैव बीन गिवन टू यू। नाउ आई विल स्टार्ट। सो फर्स्ट टॉपिक इज तो महाजनपदा पीरियड इज एसोसिएटेड विद 6th सेंचुरी BC, ये टाइम पीरियड है। वी हैव विटनेस दैट जनाज जनाज ऑफ अर्ली वैदिक एज ट्रांसफर्ड देमसेल्फ इनटू जनपद। हाँ यार गर्मी लगी। जनपदा ऑफ लेटर वैदिक एज, और ये जो जनपदाज हैं ये किस में बदल गए? महाजनपद।
कब? बाय 6th सेंचुरी BC। तो इसका टाइम पीरियड हमने क्या बताया था? अब देखो, जना मैंने बोला था, जना मतलब क्या है? ट्राइब। पद मतलब क्या होता है? लेक्स। तो जन पद का मतलब है नाउ दे आर लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया। तो कौन सी लाइफ है? सेडेंट्री। एंड नाउ दीज जनपदास, मेनी ऑफ द जनपदास केम टुगेदर एंड फॉर्मड द महाजनपदास। हाउ? आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे दैट विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जनपदास द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज स्टार्टेड बिकॉज नाउ दे स्टार्टेड फाइटिंग वॉर फॉर द एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। बट इन द अर्ली वैदिक वेज दे वर फाइटिंग वॉर फॉर एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी और फॉर एक्विजिशन ऑफ केटल्स। तो अर्लियर दे वर फाइटिंग फॉर केटल्स, नाउ दे वर फाइटिंग फॉर टेरिटरीज। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन मेनी ऑफ द जनपदास कंसोलिडेटेड बाय द एक्विजिशन और बाय मैट्रिमोनियल अलायंसेस और वॉट एवर मीन्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो वी विल सी इन द केस ऑफ वज्जी गणराज्य 16 महाजनपदास इमर्ज एज द नेम रिफ्लेक्ट जनपदास टू महाजनपदास बिगर जनपदास। वी केम टू नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ 16 महाजनपदास बाय थ्रू थ्री सोर्सेस। वी हैव अदर सोर्सेज ऑल्सो बट द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदास वी केम टू नो फ्रॉम द थ्री सोर्सेस। फर्स्ट इज अंगुतारा निकाया, इट इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। सेकेंड महावस्तु, इट इज ऑल्सो ए बुद्धिस्ट टेक्स्ट। एंड थर्ड जेना टेक्स्ट। भगवती सूत्र इज रिटर्न इन योर नोट्स ऑल्सो। भगवती सूत्र महावस्तु एंड अंगुतारा निकाया। अंगुतारा निकाया बिकॉज नेम इज निकाया, इट इज पार्ट ऑफ सुत्त पिताका। वी विल सी व्हाट इज सुत्त पिताका। महावस्तु इज ऑल्सो ए बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड अंगुतारा निकाया भगवती सूत्र इज जेना टेक्स्ट। बट द लिस्ट गिवन इन दीज थ्री टेक्स्ट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मीनिंग दे माइट हैव डिफरेंट 16 महाजनपदास in their 16 महाजनपदास are different। Some scholars believe that 16 is just a indicative numbers, so indicative number in sense there might be less, there might be more, but they were choosing 16 because might be say is auspicious number। We have seen also during the time of Indus Valley civilization that 16 whatever they are doing in the multiple of 16। ठीक है, आज बच्चे कम है, सुबह ज्यादा ठंडी ज्यादा पड़ने लग गई क्या? सो महाजनपदास पीरियड हमने कहा, वेन एवर वी आर गिविंग पीरियड वी आर यूजिंग थिंग पीरियड। सो देर आर सम, देर विल बी सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। वी हैव सीन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अर्ली वैदिक एज, वी हैव सीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लेटर वैदिक एज, सो देर मस्ट बी समथिंग डिफरेंट इन दिस एज। सो हाउ दिस एज इमर्ज 6th सेंचुरी BC इफ वी आर सीइंग महाजनपदास पीरियड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन बिकॉज ऑफ द टेरिटोरियल एक्सपेंशन द बिगर बिगर किंगडम्स बिगर एरियाज corresponding to a particular tribe, particular region, particular kingdom has emerged. The reason of this is territorial expansion through wars and other means. Number one. Second thing, I have told you yesterday that in later Vedic age, they started doing agriculture. And people associated with agriculture activities, they were treated now favorably, which was not the case during the early Vedic age. Because of practice of agriculture, because of settlement in Gangetic Valley, because of expansion of these settlements towards east, towards east means today's UP, today's Eastern UP, today's Bihar. These areas today also are very fertile because of the presence of many rivers and the extensive alluvial fertile plains. And they also came into contacts with people of Koldiyavar, local people, indigenous people. We have earlier in the first class, we have discussed that Koldiyavar, people of Koldiyavar were the earliest proponent of
राइस कल्टीवेशन, सो नाउ दे कैन हैव मोर राइस, सो सरप्लस प्रोडक्शन कंडीशन स्टार्टेड इमर्जिंग बिकॉज आई हैव टोल्ड यू whenever there is surplus production in agriculture, it will give rise to the material prosperity and the expense. Left side move करूँ, इस side पर नीचे उतर जाऊँ, बाहर आ जाऊँ तो दिखूंगा नहीं फिर. चलो लिखो यार, whatever I was saying, because whenever there is surplus production, material prosperity will happen, material culture will develop and secondary and tertiary activity will prosper. Because now more people can practice other activities than agriculture, because you will not have to worry about where your food will come from. You are sitting here because you don't have to worry where your grains will come from. You will go and buy it from the market. So, by this period, many new categories of people started emerging in the society. What do you mean by category of people? When you have material prosperity, many new professions will emerge. So these professions with the passage of time will themselves develop into a different group. Now, what do you mean by this? We have seen that earlier, because in the early Vedic age, land did not hold any value economically. Why? Because first of all, we are not practicing agriculture on a large scale. Second, we are moving from one place to another. In second stage, later Vedic age also we have seen, because of the ample land was available, still we are not buying or selling land. And early Vedic age, we have seen that this is clan. So, the property rights were not individual rights, but the rights enjoyed by the whole clan. So, that particular area belonged to clan. But with the passage of time, when the prosperity of a person gets associated with the land he holds, the cattle he holds and the thing he is producing, over a period of time, we have seen in the later Vedic age, two groups started gaining ascendancy. Those were two groups. Kshatriyas and Brahmanas, we have seen yesterday, na? Now, if you have ascendancy and you have more say in the society, will you not try to accumulate as much material prosperity as it was possible? So, within these two groups started amassing land at the cost of other members of their clan and society, and within these people, the people who now have much more hold on the private land, these people started to be called as Gahapati. Gahapati. Gah matlab ghar hota hai na, ghar ka pati. Par Gahapati are terms, whenever we are, agar paper mein aaye, what do you mean by Gahapati? So, Gahapati can be best described as the big landlords type of thing. Big owners of land. Gahapati. Theek hai? Now, these Gahapatis, because now they have more resources at their disposal compared to other members, they will try to not distribute these resources with other members. That is the source of their emergence. That is the source of their emergence. What? That they are accumulating resources. What? Which is more than other members. So now they started employing other clan members which are not materialistic that well, as well as slaves, as well as Shudras. So please remember, Shudras are not untouchables. Okay, Shudras are just clan members which are impoverished and who are doing menial jobs. Okay, yahan tak samajh mein aaya? Aisa scholar believe karte hain, because Gahapatis having material resources at their disposal, they started diverting some of these resources for trading activities. Why? Because they also have surplus things. So, they can sell this, and with that money, they can start selling other products also. So, within, aisa kuch scholars kehte hain, ke within the Gahapati started emerging a new type of thing, people, traders. And the words used for traders in Buddhist literatures are Treshti.
श्रेष्ठी, श्रेष्ठी मतलब कहां से निकला है वर्ड, श्रेष्ठ, श्रेष्ठी आर दोज पीपल हु आर हैविंग एनी वन एनीथिंग विच इज बेस्टली बेस्ट, जो मार्केट में बेस्ट है। आई एप्पल का नया आईफोन आया है तो किसके पास जाएगा, श्रेष्ठी के पास जाएगा, श्रेष्ठ, श्रेष्ठी, जो भी मेटेरियली पॉसिबल है बेस्ट वो श्रेष्ठी के पास है। दिस इज द वर्ड यूज बाय बुद्धिस्ट लिटरेचर फॉर डिस्क्राइबिंग जनरली ट्रेडर्स, बिकॉज देर इज अ स्टोरी व्हेन बुद्धा वेंट टू श्रावस्ती, द किंग ऑफ श्रावस्ती वॉज नॉट वेरी पॉजिटिवली इंक्लाइंड टूवर्ड्स बुद्धा, ही डिड नॉट वॉन्ट बुद्धा टू कम टू हिज सिटी, सो वन ऑफ द ट्रेडर्स वेंट टू किंग एंड आस्क्ड द परमिशन दैट आई वॉन्ट टू मेक वन मोनेस्ट्री फॉर बुद्धा, सो ही सेड दैट ओके, बिकॉज दे वर वेरी पावरफुल इकोनॉमिकली, सो ही कुड नॉट से नो, सो ही लेड ए कंडीशन दैट ओके आई विल गिव ओनली दैट लैंड विच यू कैन फिल विथ गोल्ड, सो दैट ट्रेडर वॉज सो मच वेल्दी दैट ही बोट ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड बिकॉज ही हैड सो मच गोल्ड। सो दिस स्टोरी ओनली इंडिकेट द मेटेरियल प्रोस्पेरिटी ऑफ दिस ग्रुप, समझ गए सृष्टि का मतलब। इस अब हमने ये देखा क्या हो गया, सरप्लस प्रोडक्शन है, इकोनॉमिक सेंस में सरप्लस प्रोडक्शन है यहाँ पर, यानी कि किसकी ग्रोथ है, एग्रीकल्चर की ग्रोथ है, साथ में ट्रेड की ग्रोथ हमने देख ली, और पॉलिटी में हमने देखा कि क्या इमर्ज हुआ, बिग स्टेट्स, अब रिलीजन में वी हैव डिस्कस्ड दैट बाय द लेटर वैदिक एज रिलीजियस became costly affair because of the elaborative yagnas and sacrifices. These sacrifices and yagnas has to be done by brahmanas. That is why the religion of this age, because its religion was dominated by Brahmanas, this religion is not Hindu religion, this religion is Brahmanical religion. So what is the difference between Hinduism and Brahmanism? Hindu religion arrived, emerged during Gupta period. This religion, Vedic religion jo tha, Vedic religion of Vedic period, now it converted into Brahmanical religion because Brahmanas were calling the shots and without their involvement, no religious thing can be done. It was expected that Brahmana will tell, only then things will complete. Agar inhone mantra nahi padha to aapki puja adhuri hai, because you can't do that yourself. Ab ye ho gaya. Ab see whatever was happening, Brahmanas claiming higher hierarchical order in society on the basis of their supremacy in religious sphere, which was not liked by some of the ruling family, because ruling family also started gaining power. Why? Because now they were calling shots, they were accumulating resources of a larger area because of the emergence of Mahajanpadas. But these groups initially supported each other because their hegemony depended on support of each other. Now a third group emerged which emerged very powerful due to the economic prosperity, but this group was not represented accordingly in social hierarchy. You are very very prosperous, you are having resources at your disposal, but you were not giving corresponding social status by these two groups, aap hamare niche ho, so these groups were not happy. Agriculture people was not very happy because Brahmanas were asking for sacrifice of their cattle wealth. Cattle wealth was very important for these people for agricultural as well as other kind of economic activity. As a reaction of Brahmanical supremacy, as a reaction of violent religion, as a reaction against the sacrificial tendencies, new type of religious thoughts started emerging in this 6th century BC. These religious thoughts, because they were based on the opposition of the prevalent religious things, that is why they were called unorthodox sects or religion. Unorthodox means orthodox things are going on, so they were opposing these orthodox things, that is why they were called unorthodox or heterodox sects. Haan ji, 2 minute bas.
इस टाइम पीरियड में ऐसा माना जाता है टोटल 62 हेट्रोडॉक्स सेक्स इमर्ज। हाँ अब पूछिए, क्या पूछो। जो अब देखो इसमें अच्छा सवाल है, क्यों हो उठाए सवाल, क्योंकि मैंने कहा गहपति ब्राह्मणा और जनरली स्कॉलर मानते हैं क्षत्रिय और ब्राह्मणा में से इमर्ज हुए क्योंकि उनके पास क्या था, लैंड ज्यादा था। देखिए अब हम वापिस पीछे चलते हैं, सोसाइटी को जब आप एंशियंट सोसाइटी को आप पढ़ रहे हैं तो आपको कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि आपका ये मानना है कि जो ब्राह्मण है वो पूरे टाइम ब्राह्मण रहा, जो क्षत्रिय है पूरे टाइम क्षत्रिय रहा, क्योंकि वर्णा सिस्टम ऐसा आपको बताता है। कल हमने कहा था कि ऑल दो वर्णा नोमेनक्लेचर हैज इमर्ज बट वर्णा सिस्टम पर से, कल आपने अपने नोट्स पढ़े थे जाके, वर्णा सिस्टम की कुछ टेंडेंसीज हैं अगर आप थ्योरिटिकली देखें तो, एक पर्सन कैन नॉट चेंज हिज वर्णा बिकॉज वर्णा कैन ओनली बी असाइंड अस्क्राइब्ड बाय बर्थ, ए वर्णा एंडोगेमी हैज टू बी मेंटेन, ए पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम ए पर्टिकुलर वर्णा कैन ओनली मेरी ए पर्सन फ्रॉम ए दैट पर्टिकुलर वर्णा, बट दिस इज ए थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट। आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू इन लास्ट टू क्लासेस दैट इन अर्लियर पीरियड ए पर्सन कैन चेंज हिज वर्णा सिंपली बाय चेंजिंग द प्रोफेशन बिकॉज अर्लियर वर्णा वॉज बेस्ड ऑन प्रोफेशन नॉट ऑन बर्थ। सो दीज आर जस्ट जनरल थिंग्स, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थिंग्स वर स्टार्टेड क्रिस्टलाइजिंग। बाय द 6th century BC इट वॉज डिफिकल्ट टू चेंज वर्णास, बट वेन वी आर सेइंग गृहपतिज इमर्ज, वेन वी आर सेइंग ट्रेडर्स इमर्ज, दे वर नॉट इमर्ज ऑन ए सिंगल डे बट इट वॉज ए कल्मिनेशन ऑफ प्रोसेस गोइंग ऑन इन लास्ट 300-400 years विद द स्टार्टिंग ऑफ लेटर वेदिक एज। सो वॉट एवर देयर वर्नास अर्लियर ड्यूरेशन, नाउ बिकॉज दे वर प्रैक्टिसिंग अगेन एंड अगेन ए पर्टिकुलर प्रोफेशन दे हैव बीन टर्म्ड एज ए डिफरेंट सेपरेट ग्रुप्स। अच्छा क्वेश्चन था वॉट आई वॉज सेइंग। हाँ 62 हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स इमर्ज सिंस their emergence was because of their opposition through the Brahminican religion, they had some of the common features associated with them but they also had some unique features. So first of all we will see the common features present in all the heterodox sects. What were those common features? First, they rejected the authority of Vedas. According to them, what does this mean? ये मानने से इनकार करते हैं कि वेदास अंतिम सत्य है, इट विल नॉट एक्सेप्ट वॉट एवर रिटर्न इन वेदास आर द अल्टीमेट ट्रूथ। तभी आप रिजेक्ट करोगे ना, अगर आप किसी को कहोगे नहीं कुछ सही है कुछ गलत है तो फंस गए। इफ यू हैव टू रिजेक्ट समथिंग रिजेक्ट होल हार्टेडली। सेकेंड, अब आपको दूसरी चीज से क्या दिक्कत है, सेक्रिफिशियल टेंडेंसी, रिजेक्टेड द एफिकेसीज ऑफ एफिकेसी ऑफ दो मिनट फेलिएबल मतलब होता है जो फेल हो सकता है, इनफेलिएबल मतलब द रिजेक्टेड दैट वेदास आर अल्टीमेट ट्रूथ, इनफेलिएबल, ये वर्ड यूपीएससी भी यूज करती है आपको कंफ्यूजन ना हो, इनफेलिएबल या वेदास आर लेट हुई गुड मॉर्निंग, कौन था इतनी लेट गुड मॉर्निंग करोगे तो नहीं मिलेगी गुड मॉर्निंग, है ना, टाइम पे आया करो। यहां तक समझ में आया? सो अगर कभी आए व्हाट वर द कॉमन फीचर्स ऑफ दीज हेटरोडॉक्स सेक्ट्स, आई थिंक यू आर वेल इक्विप्ड टू नो व्हाट वर द कॉमन फीचर्स ऑफ दीज हेटरोडॉक्स सेक्ट्स बिकॉज यू नाउ नो द रीजन ऑफ देयर इमर्जेंस। सिंस रीजन ऑफ देयर इमर्जेंस वर कॉमन,
सम ऑफ द एट्रीब्यूट सम ऑफ द फीचर्स एसोसिएटेड विद देम आर वर कॉमन व्हाट आर दोस कॉमन थिंग्स दीज कॉमन थिंग्स समझ गए। हाँ ये जो ब्राह्मणिकल रिलीजन है दे वर नॉट वेरी ब्राह्मणिकल रिलीजन वर नॉट फेवरेबली डिस्पोज टूवर्ड्स ट्रेडर्स बिकॉज दे वर ऑल्सो अपोजिंग द अर्बन सेंटर्स दे वर ऑल्सो अपोजिंग द प्रैक्टिस ऑफ मनी लेंडिंग जिसको क्या बोलते हैं यूजरी प्लस अर्बन लाइफ इसके अगेंस्ट है कौन ब्राह्मणास और अगर इनके अगेंस्ट है तो किसको नुकसान होगा ऑल्सो दिस महाजनपदा पीरियड दो और ये लिख लिया ना महाजनपदा पीरियड में दो इंपॉर्टेंट चीजें और हैं सिक्स सेंचुरी बीसी की बात कर रहे हैं क्या है इमर्जेंस ऑफ अर्बन सेंटर तो ये क्या है इंडिया में कौन सा अर्बनाइजेशन का नंबर आ गया फर्स्ट कब हुआ था हाँ और एक और चीज क्या हुई क्योंकि अब ट्रेड और कॉमर्स बढ़ रहा है द फर्स्ट इंस्टेंस व्हेन पीपल स्टार्टेड यूजिंग करेंसी पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स स्टार्टेड सर्कुलेटिंग इन दीज एरियाज दे वर इशूड बाय द रूलर्स महाजनपदास बिकॉज द पीपल स्टार्टेड यूजिंग करेंसी दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस इन विच वी कैन से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पीपल स्टार्टेड यूजिंग करेंसी द अर्लिएस्ट एग्जाम्पल इज पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स पंच्ड मार्क्ड क्यों है क्योंकि एक मेटल पे सिल्वर जनरली होता था या फिर कॉपर भी हो सकता था उसके ऊपर कट करके पंच करते थे थप्पा लगाते थे तो दीज आर पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स कोई नाम नहीं है कोई पिक्चर नहीं है कोई डेट नहीं है सिंपली मेटल स्ट्रिप पंच पंच में क्या होगा मार्क क्या होगा स्टाम्प क्या होगी स्टेट की होगी किसी में पीपल का ट्री होगा किसी में सन चांद तारे सितारे सूरज जो भी जिसका सिंबल होगा जो सिंबल से आप झगड़ नहीं देखते लड़ाई में वो झंडा होता है जिसमें सिंबल होते हैं समथिंग लाइक दैट सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग ऑल्सो क्या हुआ इकोनॉमी में प्रोग्रेस हुई बिकॉज बार्टर के साथ दिक्कत क्या है यू कैन ओनली ट्रेड व्हेन देयर आर टू पीपल हु वांट व्हाट ईच अदर हैव मैं आपके साथ ट्रेड तभी करूंगा जब आपके पास देने के लिए वो है जो मुझे चाहिए और आप मुझसे तब करोगी जब मेरे पास वो है जो आपको चाहिए वरना नहीं होगा पैसे में क्या है बहुत ईजी है मैं तुमसे लूंगा पैसा दे दूंगा तुमको जिस इनसे जिससे चाहिए वो पैसे से खरीद लेना समझ में आ रहा है अगर आपको इतनी क्लियरिटी आ गई कि इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा है ट्रस्ट मी मेंस का क्वेश्चन हो प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो यू विल बी इजीली एबल टू हैंडल दीज एस्पेक्ट्स इफ देवर आस्क दे विल बी आस्क इन पेपर और यही आपको जो मटेरियल मिल जाएगा इसमें भी है और जो बुक फॉर्म में आपको मिलेगा यू विल बी एबल टू गेट ऑल द क्लियरिटी ठीक है लाइट भी बेक करें ठीक है कर देते हैं मैडम यहाँ तक समझ में आ गया नाउ वी विल मूव टू द हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स इंपॉर्टेंट हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स आज हम जैनिज्म बुद्ध पूछिए यूजरी मनी लेंडिंग ये और किसी चीज की भी मना करते थे वो भी अब ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं तो लिख लो होटल जाते हो अर्बन ईटिंग हाउसेस अर्बन ईटिंग हाउसेस में आपकी टेबल के पास कौन बैठ रहा है इट इज इन योर कंट्रोल सो बिकॉज अर्बन ईटिंग हाउसेस आप काम करने शहर गए हो सो यू विल ईट इन दीज प्लेसेस You don't have any house there. So, because in urban eating houses, it is not possible to maintain Varna system, the Brahmanical religious people were opposing these houses. Kyunki kya ho raha hai? Pollution ho raha hai. You are not maintaining prescribed norms of Varna system. So, they were also opposing these. So, even if you don't have all the facts with you, if you know the concept, whatever is happening, and you remember those things, you will be able to deduct the answer in the pressure of exam. So, always keep a point that you shall understand the basic points, basic commonalities of that particular period. If even if all facts are not known to you.
पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट जनरली अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा दिया। अभी पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट मैं सिर्फ बताना चाह रहा था, टू मेक ए इम्पैक्ट, अगर वो वर्ड है तो हटा दो, वट एवर आई एम ट्राइंग टू से, दे वर सेइंग दैट वरना पीपल शुड शेल हैव सम सेपरेट एरियाज बिकॉज वी आर हायर देन यू, वी शुड हैव ए डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट प्लेस, समथिंग लाइक दैट। अनटचेबिलिटी अभी नहीं है अब, क्योंकि वरना सिस्टम को बहुत ही रिजिड। देखो यार, हम जो भी दिक्कत क्या है इस पीरियड को पढ़ने में, वॉट एवर इंफॉर्मेशन वी हैव मोस्टली दोज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लिटररी सोर्सेज। और आपको भी पता है कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, डू वी ऑल फॉलोइंग वॉट एवर हैज बीन रिटन इन दोज लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन? नो, प्रैक्टिकल थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रिटन मटेरियल। So these thought processes, also one more problem, whatever they have written, we don't know whatever we are reading is the same thing, because in between there are 2500 years gap, many times people have modified those things. So we will always look for corresponding material. Achha, is book mein likha hai, isme likha hai, Jaina mein likha hai, Buddhism mein likha hai, archaeological sources mein likha hai, what is the best picture we can get? Theek hai? That is why most of the time no objectionable or controversial question will be asked in any exam. Only common points will be asked in which major agreement is there between the scholars. वरना फिर क्या होगा, झंडा उठा के लोग कहेंगे क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत है, बोनस, पेपर कैंसिल। रियलिटी, दे आर नॉट देयर टू क्रिएट कंट्रोवर्सी, दे आर जस्ट देयर टू सेलेक्ट यू ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर नॉलेज। सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो रिलीजियंस है जो हमें पढ़ना है और जो यूपीएससी को बहुत पसंद है, 62 हम नहीं पढ़ेंगे, यूपीएससी को क्या पसंद है, बुद्धिज्म और जैनिज्म। सो वी विल कीप अवर फोकस ऑन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एंड वी विल सी द कॉमन थिंग्स। वी हैव ऑलरेडी सीन द कॉमन थिंग, नाउ वी विल सी द इनहेरेंट डिफरेंसेस बिटवीन दीज ग्रुप्स। वी विल सी द पर्सनल डिटेल्स ऑफ फाउंडर्स एंड इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ दीज ग्रुप्स, जैनिज्म बुद्धिज्म, and the material which will be provided to you in which you will find names of some other important heterodox sects and their founders, and then we will finish today's class. From tomorrow we will move to Mauryan age and post-Mauryan. So I am hoping to finishing ancient India by Monday. We will only study, hey madam aaram se padhenge, dekho abhi tak padha sab samajh aaya na, tab aayega. Art and culture is not part of this. Art and culture will be taken separately. Mostly. If you keep pace with me and you keep supporting me like this, in the 7th class it will be completed. Ani 5th class? Nahi, nahi, nahi. Ye to 5th class hogi na, Saturday ko 5th, by 7th class. Whenever it will happen. Haan, bolo. Agar Monday ko mujhe class mili to Tuesday khatam ho jayega. Tuesday se meri class chalu hui to 7th class. Haan, bolo. अरे नहीं मैडम, क्या खत्म हो जाएगा 3 हफ्ते में? देखो इन्फ्रेंस गलत निकाल लिया ना, लिमिटेड नॉलेज से आपने ये कैसे कहा कि एंशियन जितने में खत्म? देखो एंशियन जनरली प्रीलिम्स में आता है, मिडाइवल जनरली मेंस प्रीलिम्स में आता है, अदर थिंग्स जनरली मेंस प्लस प्रीलिम्स दोनों में आती हैं, और अपना वर्ल्ड हिस्ट्री सिर्फ मेंस में आता है। पर क्योंकि इस बार मेंस में जनरली एंशियन और मिडाइवल से भी क्वेश्चन है, तो एक लेक्चर ऊपर नीचे हो सकता है, बट आई एम जस्ट गिव यू गाइडलाइन टू कीप यू ऑन टोज कि ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा, आई विल कीप माई सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड टू द यूपीएससी थिंग्स। तो आपको मेरे साथ पेस मेंटेन करते हुए एनसीईआरटी जल्दी जल्दी खत्म करनी है, मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा, आप मुझसे पूछोगे कैसे फिर? तो थोड़ा बकअप बिल्कुल इसी साल निकालना है ना, बोले जल्दी जल्दी खत्म करना है, कोई 5 वर्षीय योजना सरकार ने बंद कर दी, आपकी भी नहीं बंद, आप भी बंद कर दो, कोई 5 वर्षीय योजना नहीं चलेगी, एक साल पढ़ना है, एक साल पेपर देना है, और फिर मेरे को मिठाई खिला देनी है जल्दी से। कहाँ था मैं, डरे तो नहीं ना कि 7 में खत्म हो जाएगा? अच्छे जैसे अभी 2 क्लास में अच्छे से पढ़ रहे हैं, 3रे में अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से ही पढ़ेंगे, कुछ डाउट होगा तो 1 क्लास और ले लेंगे। आई एम जस्ट गिव यू गाइडलाइन टाइमलाइन कि जल्दी जल्दी पढ़ोते रहो, टाइम मत बर्बाद करो, बुद्धिज्म एंड 5 और 6 क्लास में मिडाइवल खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर थोड़ा टाइम ज्यादा लेंगे। एक एक क्लास में 5 क्लास 5 5 वीक्स कोर्स खत्म, टाटा।
आप लोगों को बोला भी तो गया है ना आपका कोर्स जल्दी खत्म करना है ताकि आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस करें। पता नहीं मैडम, मॉडर्न हम सिर्फ अभी देखो बुद्धिज्म क्या कहता है, वर्तमान में रहना है। आज की क्लास तक मैं हूं, कल पता नहीं, आज तक हूं। बुद्धिज्म, बुद्धा वॉज ए रिवोल्यूशनरी फिगर ड्यूरिंग हिज टाइम एंड ऑल्सो टूडे ऑल्सो मेनी ऑफ द पीपल कंसिडर हिम एज वन ऑफ द बेस्ट फिलोसफर प्रोड्यूस्ड बाय दिस वर्ल्ड। बाय वी विल सी। अगर पर्सनल हिस्ट्री की बात करें आपके में सब है, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ, बुद्धा वॉज ए, अरे नहीं यार अब वहां पर्सनल पे आ गया ना, मैं तो शाक्या प्रिंस, प्रिंस नॉट किंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन किंग एंड प्रिंस। हिज फादर वॉज दुर्योधन, ही वॉज ए किंग ऑफ शाक्या क्लेन। शाक्या क्लेन और शाक्या प्रिंसिपलिटी वॉज ए ओलीगार्ची, मतलब कुछ अमीर लोग मिलके अपने हिसाब से रूल कर रहे हैं, तो कहते हैं ओलीगार्ची। उनकी जो मदर थी, रियल मदर थी, उनका नाम था महामाया, महामाया देवी या माया देवी, दीज टू नेम्स यू विल फाइंड। आफ्टर उनका बर्थ हुआ था लुम्बिनी वन में, आफ्टर हिज बर्थ उनकी मदर जल्दी डेथ हो गई एंड ही वॉज रेज्ड बाय हिज फोस्टर मदर प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी एंड महामाया देवी वर रियल सिस्टर्स एंड दे बोथ वर पोलियन प्रिंसेस। पोलियन प्रिंसेस, पोलिया, दिस प्रिंसिपलिटी वॉज ए नेबरिंग किंगडम ऑफ चाक्यास। चाक्यास एंड कोलिया देवर नेबरिंग प्रिंसिपैलिटीज एंड कोलियन प्रिंसेस वर मेरिड टू द शाक्या क्लेन के लीडर कौन है, शुद्धोदन सिद्धार्थ, ओ सॉरी शुद्धोदन। सिद्धार्थ वॉज द रियल नेम ऑफ बुद्धा। वॉट डू मीन बाय बुद्धा? बुद्धा इज ए नॉट ए नेम बट ए ऑनरिफिक टाइटल एन। हाँ अरे वो देखो, कभी किसी को स्पीच देते हुए देखा है? तो रिटोरिकल क्वेश्चन समझते हो, मैं ही सवाल पूछूंगा, मैं ही जवाब दूंगा टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। भोकाल, सो समटाइम्स आई जस्ट आस्क ए क्वेश्चन टू गिव आंसर माई सेल्फ, दैट इज अ रिटोरिकल क्वेश्चन। व्हेन इफ आई विल टेक ए टाइम, मैं बता दूंगा ना, इतना तो समझना चाहिए ना। घर में बुजुर्ग लोग हैं आपके, तो वो आपसे कई बार जवाब नहीं चाहते, वो चाहते हैं सवाल भी मैं पूछूंगा जवाब भी मैं भी दूंगा, आपको क्या करना है सिर्फ, नहीं घस घर सिर्फ सुनोगे और गर्दन नहीं हिलाओगे तो भी बेज्जती कर दोगे, फिर दो बातें और सुनोगे। चलो वी विल नॉट डाइस। हाँ हाँ यही तो बोला, कुछ और बोला मैंने? मैं दोबारा बता देता हूं, प्रजापति गौतमी कौन है? फोस्टर मदर। और ये कौन है? रियल मदर। और ये दोनों कौन है? रियल सिस्टर। एडजेक्टिव सार मतलब कौन? नहीं, एक तो एडजेक्टिव भी नहीं हुआ, रियल सिस्टर। और फादर कौन है? शुद्धोदन। इनका रियल नाम क्या है? सिद्धार्थ। अब देखो उस टाइम में बढ़िया बात बोल रहा था, रिटोरिकल क्वेश्चन पे। हाँ बुद्धा, व्हाई हिज नेम इज बुद्धा? बुद्धा इज नॉट हिज नेम बट ए ऑनरिफिक टाइटल लाइक द अकबर। अकबर इज नॉट ए नेम ऑफ एम्परर अकबर, वो भी टाइटल है। जहांगीर इज ऑल्सो टाइटल, औरंगजेब इज ऑल्सो टाइटल, शाहजहां इज ऑल्सो टाइटल। वॉट इज द नेम, वॉट वॉज द नेम ऑफ अकबर? जलालुद्दीन। तो इसी तरह इनका नाम है सिद्धार्थ। आई एम नॉट कंपेयरिंग दीज टू फिगर्स, प्लीज डोंट एक्यूज मी ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स, जस्ट आई एम गिविंग एग्जाम्पल व्हाट आई वाज सेइंग। बुद्धा, सो कैन यू बी बुद्धा? थ्योरेटिकली इट इज पॉसिबल। बुद्धा इज ए ऑनरिफिक टाइटल। बुद्धा मीन्स समवन हु हैज अवेकन्ड, अवेकन्ड सोल, एनलाइटन्ड सोल इज बुद्धा। बुद्धा जिसको क्या मिल गया है? बोधि। बोधि मीन्स एनलाइटनमेंट। अब बुद्धा
29 ईयर की बुद्धा की एक वाइफ हुई, क्या नाम है? अभी सिद्धार्था की वाइफ हुई है ना, यशोधरा। बेटे का नाम क्या है? एट द एज ऑफ 29 महा अभिनिष्क्रमण हुआ। महा अभिनिष्क्रमण, ही लेफ्ट हिज पैलेस, ही लेफ्ट हिज लाइफ, ही लेफ्ट हिज वाइफ एंड सन एंड वेंट इन द सर्च ऑफ सम आंसर्स। इन दिस व्हेन ही वाज लीविंग, व्हेन ही वाज गोइंग ऑन महा अभिनिष्क्रमण, महा अभिनिष्क्रमण मीन्स ग्रेट रिनन्सिएशन, सब छोड़ छाड़ के जब जा रहे हैं। महा अभिनिष्क्रमण का मतलब ये होता है, कभी आ जाए तो, आपके पेपर में शायद है, मतलब नहीं लिखा हुआ, मतलब लिख लो, महा अभिनिष्क्रमण मतलब ग्रेट रिनन्सिएशन, मतलब आप छोड़ के सब जा रहे हैं ना, महा अभिनिष्क्रमण। तो महा अभिनिष्क्रमण का मतलब ये है, आप एक बार गूगल भी कर लेना। तो महा अभिनिष्क्रमण में जब ये जा रहे थे तो उनके पास, राजा के पास घोड़ा भी होता है, आदमी भी होता है, तो घोड़े का नाम कभी कभी स्टेट सर्विस में पूछ लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है देखो, कंठक तो हॉर्स है और चेरियटर, हाँ क्या नहीं मिल रहा? अच्छा लेट आए होंगे ना, दो मिनट दो मिनट। अरे भैया संस्कृत में आ लग जाता है, हिंदी में क लग जाता है, और पाली प्राकृत में कुछ और हो जाता है, पर तुम तो तुम ही रहोगे। नहीं तुम, मैं ये नहीं कह रहा तुम घोड़े हो, पर तुम तो तुम ही रहोगे। कंठक घोड़ा है और चेरिएटर वो क्या है? चंदक। अब वो कई जगह तुम्हें छंदक मिलेगा, छंदका मिलेगा, चंदका मिलेगा, चंदन मिलेगा, पर आदमी एक ही है। ऐसा नहीं कि बुद्धा 10 लोग लेके जा रहे थे। एक बहुत ही अच्छी बुक है, आप लोग जो लोग एनसीईआरटी पढ़ी है, नहीं नहीं अच्छी बुक है, एनसीईआरटी हिस्ट्री नहीं भाई, और भी बुक्स है, एनसीईआरटी में एक ही बुक पढ़ते हैं क्या? अरे मैडम हिस्ट्री क्या है, हम चले गए बुद्धिज्म पे, बौद्ध, वो क्या कहते हैं, देखो मेरे को भी भुला दिया ना आपने, 8th क्लास के हिंदी सिलेबस में एक बुक है, अश्व घोषा ने लिखी है ना, बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र पढ़िए किसी ने हिंदी से, क्या 8th पास नहीं करी, 10th कर लिया, 8th नहीं करी, जिसके पास हिंदी मीडियम ए सिलेबस है, हिंदी में भी ए बी सी होते हैं ना, बी 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 था आपके पास, अरे मैडम तो 25-50 अभी 50-100 रुपये 150 रुपये की आ गई होगी, बहुत ही अच्छी बुक है, मतलब मुझे तो बचपन में अच्छी लगी थी, पता नहीं अब आप बड़े हो गए हो। उसमें बुद्ध चरित्र, बुद्धा की लाइफ की हिस्टोरी है, दैट वी विल सी इन डिटेल इन आर्ट एंड कल्चर। सो ये हो गया, अब बुद्धा निकले अपने क्वेश्चंस के आंसर में। द फर्स्ट टीचर ऑफ बुद्धा इन दिस जर्नी वॉज अलारा कलामा। When we will see the Sankhya philosophy, we will see Alara Kalama was practicing Sankhya philosophy. One of the reference to let you know that Sankhya philosophy was that old. So when we will see the old, the philosophical school of Indian, so Indian history, mein philosophical school dekhenge. One of the school was is Sankhya school, and Sankhya is the oldest school. Example reference. When somebody is teaching Buddha Sankhya, it means Sankhya was present. So Sankhya philosophy और Alara Kalama से इन्होंने क्या सीखा? उपनिषद की शिक्षा and other things. आपके notes में है. First, देखो first page, last line. From a sage named Alara Kalama, he learned the techniques of meditation and the teachings of the Upanishads before becoming Buddha. है ना? अब देखो. Before moving, I will give you some facts. अभी हम वहां पहुंचे नहीं है, बस facts दे रहा हूं. बुद्धा की life में 4 important events है according to Buddhism. I am just giving you some facts जो कि UPSC में महापरिनिर्वाण, अभी महापरिनिर्वाण देखो भाई, मैं जहां तक हूं वहीं तक रहना है, मैं आगे बढ़ा ही नहीं, बताएंगे अभी सब, महापरिनिर्वाण भी बताएंगे. तो first important event is, चलो बुद्धा की birth, ये भी इंपॉर्टेंट है ना. सेकंड क्या है? फर्स्ट सेकंड क्या हुआ? मैंने कहा फर्स्ट ये है, सेकंड पे आते हैं. महा अभी निष्क्रमण,
हो जाएंगे, सॉरी। तीसरा क्या है, आप हिंदू जो हिंदू रिलीजन फॉलो करते हैं घर में फोटो लगाते हैं डेथ डेथ जिनकी हो जाती है और नीचे क्या लिखते हैं निर्वाण तिथि, तो आपको लगा कि निर्वाण मतलब मरना होता है, नहीं। जस्ट मैं ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं निर्वाण वर्ड यूज करूंगा इसका मतलब क्या है, मरना नहीं है, इसका मतलब है एनलाइटमेंट मिल गया। तो निर्वाण इज इक्वल टू तीसरा इवेंट ये है। फोर्थ इवेंट क्या है, धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म से आप क्या समझते हैं, राइटियस ड्यूटीज। चक्र क्या है, परिवर्तन, सेटिंग इन मोशन द व्हील ऑफ धर्म। इसका मतलब क्या हुआ, सेटिंग इन मोशन द व्हील ऑफ धर्म। और फिफ्थ स्टेज क्या है, डेथ, मतलब महापरिनिर्वाण। समझ गया मैडम, महापरिनिर्वाण पूछा था किसी, तो इसका मतलब क्या हो गया, डेथ। दीज आर फाइव इंपॉर्टेंट इवेंट्स, नाउ आई विल एक्सप्लेन इन शॉर्ट जो हम बाद में देखेंगे। बर्थ मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, महावीर निष्क्रमण वी हैव सीन, निर्वाण एनलाइटमेंट द फाइंडिंग ऑफ ट्रू नॉलेज, को डिटेल में भी देखेंगे अभी मतलब। धर्म चक्र परिवर्तन, सेटिंग इन मोशन द व्हील ऑफ धर्म, मीनिंग आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट व्हेन बुद्धा गेव द फर्स्ट सर्मन, सर्मन मतलब टीचिंग्स, उपदेश। व्हेन बुद्धा गेव फर्स्ट टीचिंग आफ्टर बिकमिंग बुद्धा, अभी तक क्या है, सिद्धार्था। व्हेन सिद्धार्था बिकेम बुद्धा एंड ही गेव हिज फर्स्ट लेसंस, हिज फर्स्ट सॉरी sermons, his first teachings after becoming Buddha, that particular event is known as Dharma Chakra Parivartan, because by attaining knowledge and delivering that knowledge first time, he had set in motion the wheel of Dharma, because now he started teaching what is the right Dharma. That event, ye enlightenment ka event kahan hua, Uru Vela, jisko aaj hum kis jagah se naam ke jante hain, Bodh Gaya. And what, when the, where this thing happened? Sarnath, that particular place where Buddha gave his first sermon, वहाँ पे कौन सा स्तूप है? सांची में बेवकूफ, सम्यक। कोई गया है सारनाथ? तो एक सारनाथ गया, कौन गया? तो गए हो ये धम्मे के स्तूपा देखा है? एक ही स्तूपा है ना बड़ा सा, बाकी तो छोटे छोटे हैं, तो वही हो जगह जहाँ पे बुद्धा ने खड़े होके क्या कहा, सर्वम दुखम। अरे मैडम पहले बताएंगे तो सही, सीधे ही बना देंगे आपको, पहले आपको सिखाएंगे ना, सीधे गच्छामी कर देंगे, चलो। संघ अभी नहीं बना है, बुद्धम शरणम गच्छामी, संघम शरणम गच्छामी, धम्मम शरणम गच्छामी, ये बुद्ध कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि बुद्धा तो खुद कहते हैं बी योर ओन लैम्प, तो व्हेन यू हैव टू बी योर ओन लैम्प, बुद्धा विल नॉट आस्क यू टू कम टू मी। So this is the later phenomena for lay followers. Lay follower, देखो मेरे को disturb करोगे तो मेरा thought process टूट जाएगा। I will give you as much as I have. Let me just complete. धम्मे स्तूपा is the that very place जहां पे क्या हुआ, पहला sermon and महापरिनिर्वाण। Death कहां पर हुई, कुशीनगर was the cap, एक्चुअली नॉट इन कुशीनगर, कुशीनगर के आउटस्कर्ट में एक बंबू ग्रूव्स थे, जंगल टाइप में बंबू ग्रूव्स थे, वहां पे इनकी डेथ हुई। एंड कुशीनगर वॉज द कैपिटल ऑफ मल्ला गणराज्य, मल्ला गणराज्य, मल्ला रिपब्लिक। क्या हुआ भाई, स्माइल कर रहे हो, वहां से हो क्या? अच्छा, तो लगा सर सही पढ़ा रहे। ओके, अब एक सवाल, नॉट रिलेटेड विद अवर यूपीएससी प्रिपरेशन, जस्ट फॉर योर नॉलेज। Have you ever thought when he attained enlightenment at Gaya, why he traveled so much or went to Banaras, near Sarnath was near Banaras, why he traveled around 200 km distance to give his first sermon?
जैसे ही एनलाइटमेंट हुआ, क्लास के बाहर निकल के किसी को पकड़ लेते, बोले सुनो क्यों नहीं करा ऐसा, किसी ने लिया नहीं। इफ ए पर्सन लाइक बुद्धा स्टार्टेड स्पीकिंग, डू यू थिंक पर्सन अदर्स विल नॉट लिसन? अलारा कलामा, नहीं मैं बताता हूं, आपकी बात कुछ परसेंट सही है, लेना देना की बात नहीं है। मैं बताता हूं क्या हुआ। When he started meditation at the Gaya, he was having five more persons with him. When Buddha started doing severe asceticism, severe penance, he lost a lot of weight and became very weak. And it looks like he will die soon. And he fell down and murchit ho gaye. Murchit matlab unconscious ho gaye. Then a lady came and gave him something to eat. That food was kheer. Modern kheer nahi thi, par us zamane ki kheer. Then Buddha realized that what is the meaning of this severe asceticism? If I will die, I will not able to reach the final goal of my life, which is the finding the answers of my question. And he left the life of severe asceticism, severe penance, and started eating something and doing meditation. So these five followers left him. So when Buddha attained Nirvana, he started searching for those five people who left him, because for the most period of this period, 6 years, those people were with him. So he wanted to give the knowledge to those who were with him. So first he also went to Alara Kalama's ashram, but Alara Kalama was dead at that time. Then he started searching for those five people. Those five people were present at Sarnath. That is why he gave his first sermon. कभी पूछा नहीं जाएगा, पर यू नेवर नो डिस्कशन में आपको भी तो लगना चाहिए ना, आपको पता है। चलो अब वी विल सी व्हाट बुद्धा अचीव्ड। सो बुद्धा गेव फोर नोबल ट्रुथ्स। व्हाट वर दोस नोबल ट्रुथ्स? आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट, बुद्धा स्टार्टेड विद ए वेरी पेसिमिस्टिक स्टेटमेंट। सर्वम दुखम दुखम, जीवन क्या है? दुख। तो जिसने सुना उसको क्या लगा? खत्म। इफ लाइफ इज फुल ऑफ सोरो, देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ? देन बुद्धा ने कहा रुको, अब बताएंगे सब, मतलब बताएंगे, फर्स्ट मी क्रिएट सम ओरा। सो बुद्धा, अगर मैं आपको सॉल्यूशन देने के पहले बोलूं, आप मेरे पास आए कि सर यूपीएससी क्लियर करना है, और मैं पहले ही बोलूं तुमसे ना हो पाएगा, तो तुम तो बोले जा रहा हूं मैं, तो मैं बोलो रुको रुको, आई हैव सॉल्यूशन, तुमसे नहीं हो पाएगा, इट इज अभी नहीं हो पाएगा, अब मैं बताऊंगा कैसे होगा। तो बुद्धा स्टार्टेड सर्वम दुखम दुखम, यानी कि फोर नोबल ट्रूथ में द फर्स्ट नोबल ट्रूथ अकॉर्डिंग टू बुद्धा, इफ यू नो दीज फोर नोबल ट्रूथ, यू कैन गेट द निर्वाणा। तो देर आर फोर नोबल ट्रूथ According to Buddhist philosophy, the first noble truth is sarvam dukham dukham. World is full of sufferings, yeah, sorrows. And फिर बुद्धा ने कहा रुको, cause of these sorrows, cause of sorrow is not only desire, ignorance, notes पढ़ रहे हो, इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट, सजेशन फ्रॉम सोरो, दुख का अंत संभव है। थर्ड पॉइंट, सजेशन ऑफ सोरो इज पॉसिबल। लोगों को लगा हाँ अब सिलेक्शन पॉसिबल दिख रहा है, सॉल्यूशन आने वाला है, तो इसलिए क्या हुआ, रिटोरिकल क्वेश्चन। बुद्धा ने कहा तुमसे ना हो पाएगा, तो आप दुखी हुए। बुद्धा ने कहा पर मैं बताता हूं कैसे होगा, तो तुम रुक गए। तीसरे में बता रहा, बताने वाला हूं, बस अब बता ही रहा हूं, जाना मत, पूरी क्लास करके जाना। हाँ सर, डिजायर सोरो कैसे हुआ? डिजायर सोरो कहां हुआ? कॉज ऑफ सोरो इज डिजायर, इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट। कहने का मतलब है आप दुखी हो। क्यों दुखी हो? क्योंकि आप कुछ चाहते हो, या आपकी नॉलेज इनकम्प्लीट है, या आप अटैच्ड हो।
वो इसलिए दुखी है कि फलाना आदमी मेरा रूम पार्टनर चला गया, क्योंकि तुम्हें अटैचमेंट है, अटैचमेंट नहीं होगा तो तुम कहोगे जाओ, तो रहेगा। अटैचमेंट नहीं है तो दुख नहीं है। डिजायर, मेरे को आईफोन खरीदना है, लॉन्च हो गया, डिजायर नहीं आने दो, नहीं खरीदना, तो कोई डिजायर नहीं है। इग्नोरेंस, यही इग्नोरेंस के अटैचमेंट नहीं रखनी है, तुम्हें इग्नोरेंस है अटैचमेंट रखते हो। तो कहने का मतलब है, इफ यू डोंट हैव एनी अटैचमेंट, इफ यू डोंट हैव एनी डिजायर, देन यू विल नॉट फील दैट यू आर मिसिंग समथिंग। मतलब ये मैं था कि बात को मोल्ड नहीं कर रहा, आपको समझ, ने जो कहा हमें वो याद रखें, और ये ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, मैं हिस्ट्री तक ही रहूंगा, आई विल नॉट। भाई करो ना करो, मुझे बुद्धिस्ट थोड़ी बनाना है तुम्हें। मत करो, मेरे हिसाब से तो मत करो, चार्वाक की बन जाओ। चार्वाक क्या बोलता है, देयर इज ओनली वन लाइफ, क्या? हाँ पियो, पानी पीना अच्छी बात है। हाँ करो, जो करना है करो। भैया मैं थोड़ी कोई यहाँ पे मोरल एजेंसी चला रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है, अरे देखो जो बात करो, जो जोक मारो मेरे से मारो, जो हंसो मेरे साथ हंसो, 2 घंटे आपके मेरे लिए, अटैचमेंट वॉट एवर सही। नहीं रुको, आई वॉज मेकिंग ए पॉइंट। अरे यार वो नहीं हूं, चार्वाक का कहना है, देर इज, देखो मैं वैसे बात बाद में बताता, टू क्रिएट मोर इम्पैक्ट तभी बताऊंगा। सजेशन ऑफ सोरो इज पॉसिबल, ये नहीं कहा सजेशन ऑफ डिजायर इज पॉसिबल, बिकॉज डिजायर नहीं, आपको क्या खत्म करना है, सजेशन जब तक पकड़े नहीं जाए तब तक चोरी चोरी नहीं हो। चार्वाक, देखो यार चार्वाक इज मिस इंटरप्रिटेड पर्सन, बिकॉज नो वन इज देयर टू डिफेंड। चार्वाक का है कोई खत्म? तो आप जैसे मेरे जैसे और बुद्धिस्ट लोग या जैनिज्म लोग या जो लोग रह गए वो आपको डिस्क्रेडिट करेंगे। चार्वाक की फिलोसफी तो चार्वाक की बुक्स में होगी ना, वो तो है नहीं, वो तो जला दी, तो उस तो छोड़ो यार वहां। सजेशन ऑफ सोरो इज पॉसिबल, अब आंसर दो भैया, मैं रुक गया, पूरी क्लास खत्म होने वाली है। चौथा पॉइंट मतलब, तो आंसर क्या है, पाथ अष्टांगिक, द पाथ लीडिंग टू सजेशन ऑफ सोरो इज अष्टांगिक मार्ग। तो बुद्धा ने 4 नोबल ट्रूथ के बाद अगली चीज क्या दी, 8 फोल्ड पाथ। तो इफ ए क्वेश्चन कैसी पूछता है, 8 फोल्ड पाथ किससे एसोसिएटेड है, बुद्धिज्म से, 4 नोबल ट्रूथ बुद्धा है आपके नोट्स। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे अब क्या बढ़ेंगे, देखिए एक बात समझिए, अगली बार बुद्धा ने कहा भगवान के अस्तित्व के बारे, हाँ बुद्धा ने कौन सी लैंग्वेज यूज करी, पाली। सिंस संस्कृत वॉज बींग यूज बाय ब्राह्मणास एंड द लिटरली पीपल एंड इट वॉज द रिलीजियस लैंग्वेज ऑफ द डे, मेनी ऑफ द कॉमनर्स वर नॉट अवेयर वॉट एवर वॉज गोइंग ऑन इन द रिलीजियस स्फेयर एंड वॉट एवर being taught in those Vedic text. Buddha started preaching his knowledge in local language, Pali language. It means it increased his. आप अगर अपना वीडियो YouTube पे इंग्लिश में डालें और हिंदी में डालें तो किन लोगों, आपकी बात हिंदी में ज्यादा लोगों को समझ में आएगी, उसी तरह से उन्होंने किस में बोला, पाली में, which was a language of commoners. So next important point is Buddha preached in Pali language. बुद्धा डिड नॉट स्पीक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। भाई आप लिखते नहीं हो क्यों, ठीक है मैं अच्छा दिखता हूं पर मुझे ही देखते रहते हो, अपनी तारीफ खुद करती हूँ, खुश रहता। बुद्धा डिड नॉट स्पीक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इसका क्या मतलब हुआ? उन्होंने कहा मेरे को बात ही नहीं करनी, अगर हाँ करूंगा तो लोग पकड़ेंगे, ना करूंगा तो लोग पकड़ेंगे। बुद्धा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं कहा, बोलना नहीं। बुद्धा ने कहा व्हाट डू, अगर गॉड है या गॉड नहीं है तो आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको तो अपना आंसर चाहिए ना, वो मैं दे रहा हूं, तो गॉड क्यों चाहिए जब आप अपना जीवन खुद सुधार सकते हो,
जब आप खुद पढ़ के निकल सकते हो तो जरूरत नहीं है टीचर की, ऐसा बुद्धा। अब इससे ग्रहण बताइए, मैंने तो इंग्लिश में बोला पर बुद्धा ने पाली में बोला, पाली पाली। अरे मैं मजाक करता रहता हूँ, दिल पे मतलब ले लोगे तो तुम्हारा नुकसान है, कहा क्लास आना बंद कर दोगे। ठीक है, मैं क्या कह रहा था, बुद्धा डिड नॉट स्पीक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अकॉर्डिंग टू बुद्धा देर इज नो। अरे यार वो तो खत्म हो गया ना, तो सोल पर आ बेवकूफ। अभी मैंने कहा कि बुद्धा डिड नॉट स्पीक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और मैंने कहा अकॉर्डिंग टू बुद्धा देर इज नो, आंसर आया गॉड। अरे भाई बुद्धा ने तो कह दिया मैं नहीं बोलूंगा, बुलवा लो। तो व्हेन आई एम सेइंग अकॉर्डिंग टू बुद्धा देर इज नो, तो सोल गॉड तो नहीं आएगा ना यार। हाँ, अकॉर्डिंग टू बुद्धा बी योर ओन लैम्प, जस्ट डोंट बिलीव एनीथिंग बिकॉज इट इज बीन सेड बाय मी। यार भारत एक खोज में कितनी अच्छी लाइन है, आपने भारत एक खोज नहीं देखा ना? भारत एक खोज में बुद्धा के जो हेटरोडॉक्स सेक्ट्स के ऊपर जो आई थिंक पता नहीं 6th या 10th उसमें एपिसोड है, उसमें बुद्धा कहते हैं किसी भी बात को इसलिए मत मानो, मतलब बुद्धा उसमें नहीं कह रहे, बुद्धा जनरली कह रहे, उन्होंने यूज कर लिया, किसी भी बात को इसलिए मत मानो क्योंकि वो मैंने कहा है, किसी भी बात को इसलिए मत मानो क्योंकि वो प्रैक्टिस में है, कल्चर में है, आपके सीनियर्स ने आपसे कहा है। नो, एक्सेप्ट दैट थिंग विच इज बीन लिव्ड बाय यू, एंड जो आपके खुद के एक्सपीरियंस पे आपने महसूस किया है वो आप रखोगे तो वो थिंग आपके साथ ज्यादा रहेगी। चलो छोड़ो, अकॉर्डिंग टू बुद्धा देर इज नो सोल। लोगों ने कहा इफ देर इज नो सोल देन हाउ यू आर टीचिंग निर्वाणा, व्हाट इज निर्वाणा, निर्वाणा इज गेटिंग फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ रिबर्थ। सबसे पहले एक और चीज समझ लो, व्हाट इज निर्वाणा, बुद्धा ने क्या कहा है, कॉज ऑफ सोरो इज डिजायर, सो व्हेन यू सजेशन ऑफ सोरो इज पॉसिबल इट मींस यू विल बी फ्री फ्रॉम डिजायर्स। सो व्हाट इज निर्वाणा, निर्वाणा इज एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर। निर्वाणा इक्वल्स टू एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर। व्हेन एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर, आपकी डिजायर ही खत्म हो गई। किसी ने वो देखी है गाइड मूवी, गाइड 1966, लाइक बुद्धा, बुद्धा कह रहे हैं नॉलेज मिलने के बाद अब देखो मैं सब कुछ पा सकता हूं पर अब कुछ पाने की कामना ही नहीं रही। व्हेन आपको निर्वाणा मिल गया यू हैव नो डिजायर, इवन डिजायर ऑफ लाइफ इज नॉट देयर, व्हाट कैन बी द बिगेस्ट डिजायर, डिजायर टू लिव, इवन दैट डिजायर इज नॉट देयर। तो निर्वाणा का ट्रू मीनिंग क्या है, एक्सटेंशन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर, क्योंकि फिर आगे की बात निकलेगी, बिकॉज देर इज नो डिजायर, देर इज नो सोरो, निर्वाणा इज लीडिंग टू सोरो, नो क्या कहते हैं एंड ऑफ सोरो, बट निर्वाणा इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ सोरो, यू आर गेटिंग द मीनिंग, निर्वाणा इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ सोरो, निर्वाणा इज लीडिंग टू एक्सटेंशन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर विच लीडिंग यू टू एंड ऑफ सोरो। सो वॉट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ निर्वाणा, एक्सटेंशन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर, बट योर पर्पज इज एंड ऑफ सोरो। Buddha gave cause-effect analysis. This is cause and effect. Cause is desire. Effect is sorrow. Buddha propagated the middle path. तो वही तो बोला, Buddha propagated middle path. Middle path meaning materialism की तरफ भी नहीं जाना, सुख 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 भी नहीं चाहिए, दुख 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 भी नहीं चाहिए, डोंट गो फॉर एक्सट्रीम पिनेंस, डोंट गो फॉर एक्सट्रीम प्लेजर। बुद्धा प्रोपोगेटेड विच पाथ, मिडिल पाथ, मिडिल पाथ मीनिंग बुद्धा प्रोपोगेटेड मिडिल पाथ, विच मीन मिडिल पाथ इक्वल्स टू अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज, अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज का मतलब क्या है, प्लेजर भी एक एक्सट्रीम है और फिनेंस भी एक एक्सट्रीम,
एग्जाम्पल देखो, बुद्धा ये कहां से कह रहे हैं, बुद्धा खुद के एग्जाम्पल से कह रहे हैं, वॉट एवर बुद्धा इज सेड ही हैड लिव्ड दैट लाइफ। प्लेजर कहां है, व्हेन ही वाज प्रिंस। पिनेंस कहां है, जब वो मरने वाले। एक्सट्रीम पिनेंस विल नॉट लीड यू टू ट्रू नॉलेज, एक्सट्रीम प्लेजर विल नॉट लीड टू यू ट्रू नॉलेज। ट्रू नॉलेज तो उनको मिली, कैसे मिली, मिडिल पाथ पे, थोड़ा सा खाओ, मेडिटेट। तो वॉट एवर इज बुद्धा इज सेइंग, इट इज अ प्रैक्टिकल थिंग। सो ही इज अ काइंड ऑफ साइंटिस्ट, कॉज एंड इफेक्ट। यहां तक आ गए हम, समझ में आया ना? देखो, एक तरफ पॉलिटिक्स की, एक तरफ होता है एक्सट्रीम लेफ्ट यानी कि कम्युनिस्ट टाइप के लोग, एक तरफ होता है एक्सट्रीम राइट कैपिटलिस्ट काइंड ऑफ लोग, एक होता है मिडिल पाथ सोशलिज्म। इसी तरह एक तरफ होती है एक्सट्रीम प्लेजर, खाओ पियो मेश, दूसरा होता है ना खाएंगे ना खाने देंगे, भूखा मर जाएंगे, ये पेन दुख, दुख से मुझे, जैसे रॉक स्टार में क्या कहता है, जब तक तुम्हें दुख नहीं है तुम अच्छा गाना नहीं लिख सकते। बेवकूफ आदमी क्यों भैया, समझदार आदमी क्या करता है, दूसरे की गलती से सीखता है। तीन तरह के लोग होते हैं दुनिया में, क्या देखो, गर्दन गलत जगह हिलाओगे तो फंस जाओगे, जब कोई ऐसी बात करे तो ऐसे होना चाहिए, क्या ऐसे नहीं खा। तीन तरह के लोग होते हैं, एक जो कभी नहीं सीख, गलती पे गलती करते रहे, एक वो जो अपनी गलती से सीखते हैं थोड़े समझदार, तीसरे ब्रिलियंट दूसरे की गलती। हम तो दूसरे वाले हैं भैया, खुद की गलती से सीख, ठीक है, आप लोग जाओ तीसरे की गलती से। हाँ, मैं चालू क्यों करा मैंने, हाँ तो बुद्धा हमारे जैसे हैं, हमारे खुद की गलती से सीख रहे हैं, आप इंटेलिजेंट हो, बुद्धा की गलती से सीखो, ठीक। तो अब समझा, मिडिल पाथ, ना इधर रहना है इधर रहना है, दोनों जगह रहोगे तो क्या नहीं मिलेगा, निर्वाणा, निर्वाणा इज द सोल एम ऑफ योर लाइफ। अब लोगों ने कहा, जब बंधु आप कह रहे हो क्या नहीं है, अरे बुद्धा ने कहा सोल नहीं है, आत्मा नहीं है, बोले जब आत्मा नहीं है तो निर्वाणा क्यों चाहिए, निर्वाणा इज एक्सटेंशन ऑफ फ्लेम और डिजायर, डिजायर जीने की भी चली गई, यू विल नॉट कम टू दिस वर्ल्ड, रिबर्थ नहीं होगा, तो जब रिबर्थ नहीं होगा तो फिर निर्वाणा क्यों चाहिए, मतलब सोल नहीं है तो निर्वर्त कैसे हो रहा है, देयर इज नो सोल देन हाउ रिबर्थ इज हैपनिंग, क्योंकि सारा गेम तो आप ही जो मुझे बेच रहे हो, दिस पैकेज विच यू आर सेलिंग टू मी, रिबर्थ से बचने के लिए, सोल नहीं है तो रिबर्थ कैसे, बोले हाँ बिल्कुल सही बात है। इसलिए उन्होंने क्या बोला, संयुत प्रतिपाद, इंग्लिश में समझो, कंडीशन को प्रोडक्शन है शायद वर्ड का मतलब क्या है, क्या एक मोमबत्ती को दूसरी मोमबत्ती जलती हुए देखा है, फ्लेम से फ्लेम जल जाती है ना, क्या इधर की फ्लेम जलने के लिए उधर की फ्लेम बुझना जरूरी है। इसी तरह योर नेक्स्ट लाइफ इज कनेक्टेड विद योर प्रीवियस लाइफ, बट द कनेक्शन इज नथिंग इज ट्रांसफरिंग, वॉट इज ट्रांसफरिंग, ओनली कॉन्शियसनेस, ओनली कॉन्शियसनेस इज ट्रांसफरिंग, नो सोल इज ट्रांसफरिंग, प्लीज नाउ डोंट इंडल्ज इन डिस्कशन दैट सोल इज नथिंग बट कॉन्शियसनेस, वी आर हियर टू क्लियर यूपीएससी, नहीं वो नहीं पूछ रहे यार मैं, यहां तक आ गया समझ में। बुद्धा का कहना है योर नेक्स्ट लाइफ विल बी डिपेंडेंट ऑन द कर्मास यू विल प्रैक्टिस इन दिस लाइफ। इसलिए बुद्धा क्या कह रहे हैं, बुद्धा इज डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ वर्णा सिस्टम, एनी पीपल हैविंग बर्थ इन एनी वर्णा कैन अटेन एनी स्टेटस बेस्ड ऑन हिज कर्मास, दैट इज वाई स्टार्टेड अट्रैक्टिंग पीपल ऑफ ऑल parts of life, you are reading philosophy, what to do, UPSC is asking history in the garb of philosophy, I have no other choice but to, but I think it's interesting, no, झूठ में बोलना है, हाँ टीचर को खुश रखना है, नंबर कहाँ था मैं, हाँ यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट है आपको, देखो हम बुद्धिज्म और जैनिज्म में इतना टाइम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो पूछा जाता है, यहां तक समझ आ गया, को प्रोडक्शन, इस तरह एक मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को जला रही है, लाइक ए कैंडल इज लाइटिंग अदर कैंडल, तो सेकंड कैंडल, लाइटिंग ऑफ सेकंड कैंडल इज डिपेंडेंट ऑन द लाइट इन फर्स्ट कैंडल,
बट नथिंग इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम फर्स्ट कैंडल टू अनदर कैंडल, लाइक योर लाइफ इज अटैच्ड विद योर कनेक्टेड विद योर पास्ट लाइफ बट नथिंग इज ट्रांसफरिंग, देयर इज नो सोल इज रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग बेनिफिट ऑफ योर पास्ट लाइफ ओनली दिस थिंग. इट इज ए काइंड ऑफ लॉजिकल कंक्लूजन. इफ यू कैन गिव लॉजिक टू एनीथिंग, हाउ बेकार लॉजिक इज दैट? एन अदर पर्सन इज नॉट एबल टू आस्क, दिस इज द रीजन. खत्म होते क्वेश्चन मार्क. क्या बोल रहे हैं, क्या नाम है साहिबा मलिक जी, क्या पूछ रहे हैं बताइए, मैं समझा नहीं. हो गया यहां तक समझ में आया? तो वी हैव कवर्ड यहां तक समझ में आ गया. अब बुद्धा की क्या हो गई, रिबर्थ का पॉइंट साहिबा जी, साहिबा या साहिबा जो भी हैं, आपको समझ में आया आपके नहीं आया? नहीं बोल रहे, हम चालू करते. बुद्धा की अब डेथ हो गई, बुद्धा की डेथ हो गई, मरना है हर व्यक्ति को, जाना है. बुद्धा जी भी चले गए. बुद्धा जी के जाने के बाद अलग अलग टाइम पे चार अलग अलग बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर बुद्धा की डेथ के बाद जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, अगर हम देखेंगे सीरियल नंबर लिख लो, एक तरफ लिख लो प्लेस, एक जगह लिख लो किंग, एक जगह लिख लो टाइम पीरियड, डिसाइडेड बाय और एंड पॉइंट. तो फर्स्ट सीरियल नंबर, फर्स्ट हुई सप्त पर्णी केव्स, ये कहां है, आउटसाइड ऑफ राजगढ़. किंग कौन था, अजात शत्रु. टाइम पीरियड बुद्धा की डेथ होते ही, अगर हम बुद्धा की डेथ को 483 बीसी मान लें, डिसाइडेड बाय महा, अच्छा तेज हो सर, महाकश्यपा. और मेन पॉइंट क्या है, बुद्धा की डेथ के बाद बुद्धा की टीचिंग, ये सब आपके किस में है, तो मैं रीड करके समझा दूं. हाँ, जैसे ही बुद्धा की डेथ हुई, जब तक बुद्धा है कोई और प्रेसिडेंट कैसे बनेगा, तो बुद्धा की डेथ हो गई. व्हाट इज, व्हाट वाज द पर्पस, सिंस बुद्धा हैज डाइड, बुद्धा मर गए हैं, तो बुद्धा की टीचिंग्स को फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या करना है, सेव करना, प्रिजर्व करना. तो अब बुद्धा के कजिन है आनंदा, जो बुद्धा के साथ हमेशा रहे, एंड ही हैड शार्प मेमोरी, तो उनको बोला गया, हे आनंदा, सिंस यू वर विद बुद्धा ऑल द टाइम, प्लीज रिसाइड व्हाट द एनलाइटेंड बुद्धा हैड सेड. तो बुद्धा, क्योंकि सुत्ता कहना, तो क्योंकि बुद्धा ने जो जो कहा आनंदा ने रिसाइट करा, उसको बोला गया सुत्त पिता का. वॉट एवर इज देयर इन सुत्त पिता का, इट इज व्हाट बुद्धा हैड सेड हिमसेल्फ, ये किसने बोला, आनंदा ने. और जो मैडम संघा की बात कर रही थी, बुद्धा ने अपनी लाइफ टाइम में संघ का निर्माण कर लिया, संघ इज द मोनेस्टिक ऑर्डर रूल्स ऑफ, तो अब आप मोनेस्टी में रहोगे तो उसके रूल होंगे, वो रूल कहां है, विनय पिता का, ये किसने बोला, एक और बुद्धा के डिसाइपल उपाली. तो उपाली वॉज द हेड ऑफ कमिटी विच कंक्लूडेड द विनय पिता का, सुत्त पिता का वॉज कंक्लूडेड बाय आनंदा. बट रिमेंबर, सिंस राइटिंग इज येट टू बी इन्वेंटेड, दीज ऑल सुता पिताकास वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर बाय द ओरल. यहां तक समझ में आया, ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल खत्म. सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वेंट 100 ईयर लेटर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिशुनागा डायनेस्टी किंग काला अशोका, प्लेस वैशाली, एंड द लीडर वॉज तबाकामी. एंड वॉट वॉज द पर्पज, टू सेटल द डिफरेंस बिटवीन द प्रीस्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया. वेस्टर्न इंडिया मीन्स अवंती एंड कौशाम्बी, अवंती एंड कौशाम्बी, और ईस्टर्न इंडिया मतलब वैशाली एंड आई थिंक है इसमें नहीं है, है नीचे है, नीचे है, समझ लो नीचे है, मेरे से समझ लो क्योंकि थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है. इस टेबल के नीचे देखो, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल रिजल्टेड इन थ्रू, तो ये समझ लो मेरे से, है ना, टाइम हमारे पास अब कम है. तो
ईस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया, क्या दिक्कत है? विनय पिता का समझ रहे हो? विनय पिता में क्या, विनय पिताका में क्या है? तेज हो गया थोड़ा, जल्दी जल्दी देखो। सुत्त पिताका, विनय पिताका समझ आया क्या है? विनय पिताका में रूल ऑफ मोनास्टिक ऑर्डर, एक भिक्षु को किस तरह से रहना है, जीना है। विनय पिताका इज नथिंग बट रूल ऑफ मोनास्टिक ऑर्डर। हाँ मैडम, देखो अगर डिटेल जाननी है तो मैं बता दूं रूल्स मोंक्स को क्या करना है। अरे एक पॉइंट रह गया इंपॉर्टेंट, मैं भी बताऊंगा, ये कर लो फिर बताऊंगा। परिवज्रका और श्रमणा मैं बताऊंगा अभी, समझाऊंगा, है ना, मुझे पूछ लो। वो सिक्स जो महाजनपदा पीरियड में पड़े, अभी बता दूंगा। मोंक्स को क्या करना है, आपको भिक्षा मांग के जीवन जीना है, आम्स में जो मिलेगा खाना है, और क्या करना है, मेडिटेशन करना है। ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन यू विल रिसाइड इन द विहारास, क्योंकि तब विचरण करना मुश्किल है, पानी ज्यादा बरसेगा। यहां तक समझ में आया? बुद्धा ने अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम कहां बिताया? श्रावस्ती। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख ले नोट्स में, बुद्धा स्पेंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ हिज टाइम एट श्रावस्ती। आउट ऑफ द 45 रेनी सीजन्स आफ्टर अटेनिंग निर्वाणा, चार महीने रहने हैं ना रेनी सीजन के, इन द 45 रेनी सीजन्स आफ्टर अटेनिंग निर्वाणा, बुद्धा को निर्वाणा 35 के एज में मिला, बुद्धा डाइड एट द एज ऑफ 80, आई थिंक 25 इयर्स, 25 ऑफ दोस पीरियड्स ही स्टेड एट श्रावस्ती, दैट इज व्हाई, चलो छोड़ो, 35 लिखा है सब उसमें। यहां तक समझ में आया? सेकंड बताऊं अब, श्रावस्ती लिखा है, देखो देखो सेकंड पेज थर्ड पॉइंट, सेकंड पेज थर्ड पॉइंट, जो इसमें नहीं है मैं खुद ही बता देता हूं कि नहीं है, है ना। अब मैं क्या कह रहा था, सेकंड मैडम को समझ नहीं आया ना, टू सेटल द डिफरेंस बिटवीन द मॉन्क्स ऑफ प्रिस्ट्स ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट। तो ईस्टर्न वाले यानी कि वो क्या कह रहे थे कि विनय जो पिता का है ना, ये रूल थोड़े स्ट्रिक्ट है, थोड़ा रिलैक्सेशन दे दो। वेस्टर्न वाले कह रहे थे नहीं, यही रहेंगे, बुद्धा ने खुद बनाए। तो टू ए काउंसिल वॉज कन्वेंट टू क्लियर आउट द डिफरेंसेज बिटवीन दीज टू सेक्ट्स, बट इट कुड नॉट बी रिकॉन्साइल्ड, दीज पार्टीज कुड नॉट बी रिकॉन्साइल्ड। सो ईस्टर्न पार्ट्स के जो लोग हैं वो क्या मानने लगे, रिलैक्स्ड विनय पिता का। देखो मैडम यहाँ वहां कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, नहीं समझ, ये तो देखो आपके पास है हमेशा, मेरे तो नहीं, मेरे को तो घर लेके नहीं जाओगे, मैं तो चला जाऊंगा, तो मैं यहाँ हूँ, मेरे से समझ लो, अगर नहीं समझ आए तो कल वापिस आना, अभी ये तो घर पे पढ़ना, अभी मेरे से सुनो। अब क्योंकि रिलैक्स्ड रूल वाले कहाँ है, ईस्टर्न इंडिया में, और विनय पिता का जैसी है वैसी ही मानेंगे तो वो कहाँ है, तो ये क्या कह रहे हैं, जो है वो ही रहने दो, ऑर्थोडॉक्स हो गए। लिबरल्स क्या हो गए, नहीं नहीं रिलैक्सेशन दे दो, इतना टफ रखेंगे तो लोग आएगा नहीं है, ये हमारे धर्म में आएंगे नहीं, वो कह रहे आए तो आए, भाड़ में जाए, यही रहेंगे ऑर्थोडॉक्स। तो जो ऑर्थोडॉक्स हैं वो बाद में किस नाम से जाने गए, स्थविरवादिन। हिंदी में स्थिर मतलब क्या होता है, एक जगह रुका हुआ, तो स्थविरवादिन। और जो रिलैक्स्ड है लिबरल्स हैं, कहां वाले, ईस्टर्न वाले, उनको क्या बोला गया, महासंघी का, क्योंकि इनके पास ज्यादा पॉपुलेशन थी, लोग ज्यादा थे, क्योंकि सब लोगों को क्या चाहिए, इजी लाइफ। अरे नाम रख दिया भाई, महायान का मतलब ये थोड़ी है वो बड़ी गाड़ी चलाते थे, महासंघी हम ज्यादा हैं, कौन है हमें नहीं पता भाई, वी हैव नो पॉपुलेशन रजिस्टर ऑफ दैट टाइम पीरियड, वी आर जस्ट गिविंग नेम। महासंघी का कौन बने, लिबरल वाले। स्थविरवादिन कौन बने, इसलिए जब बाद में हीनयाना महायाना बना तो वो अपना जेनेसिस कहां से ले सकते हैं, हीनयाना क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं ना, और महासंघी का समझ गए। आपके इसमें यह भी है कि महासंघी का बाद में कितने ग्रुप्स में बटे, और है आपके इसमें, देखो लेटर महासंघिका गेव राइज टू फॉलोइंग सेक्ट्स। तो अगर ये सेक्ट्स आएंगे तो आपको पता होगा ये कहां से आए, महासंघिका से। एक बात है जो मैं आपको, हाँ तीसरे बुद्धिस्ट काउंसिल पे आए थे, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वेंड बाय द अशोका हिमसेल्फ, कहां पे, पाटलिपुत्र में, ईयर 246, द प्रेसिडेंट वॉज
पढ़ लो, आपके में है देखो, पुत्ता मोगली पुत्र तिस्सा। आप भारत एक खोज देखेंगे तो उसमें तिस्सा को इसका भाई बताया गया, जो गलत बात है। मोगली पुत्र तिस्सा, तिस्सा उसमें नाम है। हाँ हाँ अलग अलग है, छोड़ो ना उसे, अलग अलग है, वो हमारे काम का नहीं है। वो उसमें दिलाई थी भारत एक खोज में। हाँ अरे वो तो ऐसे ही, वो तो ऐसे ही बोल दिया, भूल जाओ, मतलब याद रखो पर लिखना नहीं है। मॉन्क्स क्या होते हैं? रूल, आपको घूमना है, जीवन सादा जीना है, किसी से सोना वोना नहीं लेना है, मांग के खाना है, रेनी सीजन में आपको विहार में रहना है, समथिंग लाइक दैट। वी विल सी इन डिटेल आर्ट एंड कल्चर। क्या कह रहा था मैं, थर्ड काउंसिल। थर्ड काउंसिल का रीजन क्या है? कुछ डिस्ग्रेशन हो गया है, सब लोग अपना अपना मान से कुछ काम कर रहे हैं, जो फालतू लोग हैं उनको निकालो, गलत बात मा करोगे निकाल दो, जो बुद्धा ने कहा है वो मानेंगे। यहाँ पे थर्ड पिता का, बुद्धिस्ट लिटरेचर में थ्री पिता का इंपॉर्टेंट है, सुत्ते और वीना बन चुकी है। द थर्ड इंपॉर्टेंट इन द पिता का, त्रि पिता का में थर्ड पार्ट महा क्या है, अभिधम्म पिता का। अभिधम्म पिता का फिलोसफिकल कंपोनेंट ऑफ बुद्धिज्म, मेटाफिजिकल वर्ल्ड की बातें हैं, समझ गए। अभिधम्म पिता का लिखा है इसमें, अभिधम्म पिता का वॉज कंपाइल्ड, त्रि पिता का है खत्म। चौथा, लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कनिष्का, कुंडलवन नियर श्रीनगर, डिसाइडेड बाय वासुमित्र या वासुदेव, और डिवीजन ऑफ बुद्धिस्ट ऑर्डर इनटू हीनयाना एंड महायाना। एट दैट टाइम ये जो हुआ यहाँ पे था सर्वस्तिवादिन। सर्वस्तिवादिन वॉज ए पॉपुलर बुद्धिस्ट फिलोसफी प्रिवलेंट ड्यूरिंग दोज टाइम इन सेंट्रल इंडिया, अफगानिस्तान एंड कश्मीर। इट वॉज ए कन्वेंशन जिसमें ज्यादा मेजोरिटी सर्वस्तिवादिन की थी। सर्वस्तिवादिन लेटर, वेन हीनयाना महायाना बाद में बना, तो सर्वस्तिवादिन फिलोसफी इन्फ्लुएंस्ड बोथ। इसमें मैंने लिखा है महासंघिका प्लस सर्वस्तिवादिन प्लस अदर्स इक्वल्स टू महायाना। अगर कहीं पे आए कि सर्वस्तिवादिन इक्वल्स टू हीनयाना, वो भी सही है, पर समझाने के लिए इसमें लिखा है, क्योंकि सर्वस्तिवादिन एक डिफरेंट फिलोसफी विच इन्फ्लुएंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ हीनयाना एज वेल एज द करंट बुद्धिज्म विच वॉज विच इज प्रैक्टिस्ड इन चाइना एंड अदर कंट्रीज, ऑफ शूट ऑफ सर्वस्तिवाद। सर्वस्तिवादिन वॉज फेमस इन, कंफ्यूजन है तुम, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ कंफ्यूजन है, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। अब कैसे होगा आधे घंटे में, चलो अगली चीज हम देखते हैं, हीनयाना और महायाना में डिफरेंस। यहां तक हो मेरे साथ, कोई डाउट है यहां तक मेरे साथ हो? ऑनलाइन पीपल विद मी, हीनयाना महायाना लिटरल मीनिंग क्या है? यान मतलब क्या होता है? व्हीकल। हीनयाना महा, जिस व्हीकल की कैपेसिटी ज्यादा है वो बड़ा है, जिसकी छोटी है छोटा है। किसने नाम दिया होगा? बड़े व्हीकल वाले ने दिया होगा कि तू छोटा है मैं बड़ा हूं। Why is it that? अब कुछ कॉन्सेप्ट है, अरहत का कॉन्सेप्ट किसमें है? हीनयाना में। और यहां पे क्या है? बोधि सत्व। अगर पूछा जाए अरहत बिलोंग्स टू, देन अरहत बिलोंग्स टू हीनयाना, बोधि सत्व बिलोंग्स टू महायाना। अरहत एंड बोधि सत्व दो, बोथ वर मोंक्स। कैसे मोंक्स? अरहत वो हैं जिनको एनलाइटनमेंट मिल चुका है, हीनयाना के हैं पर मिल चुका है, और अब ये कहां जाएंगे अगले जन्म में? नहीं आएंगे। बोधिसत्व, अब ये सारी डेफिनेशन किसके परस्पेक्ट में है? कौन बोल रहा है? महायाना। महायाना बोल रहे हैं अरहत क्या है? मीन है, अपने बारे में सोच रहे हैं। जैसे ही निर्वाणा मिलेगा तो चले जाओगे, बाकी लोगों का क्या होगा? तो हमारे यहाँ पे आओगे तो मिलेंगे बोधिसत्व। बोधिसत्व आर ऑल्सो दोज पीपल हु आर रेडी टू गेट एनलाइटनमेंट नेक्स्ट डे, या फिर जिनको एनलाइटनमेंट मिल चुका है पर बिकॉज ऑफ देयर प्रोग्रेस दे आर keep staying in this world, because they will help you in your nirvana. Till the time anybody is there who had not attained nirvana, these bodhisattva will remain in this world to help you. So, फिर आपको लगेगा people to help. What is the difference between these people and Buddha? Buddha is someone who is getting enlightenment on their own effort. Buddha को किसी ने help करी? But arhat and bodhisattvas are those people who will get enlightenment by following the path of Buddha. समझ गए? यहां तक समझ में आया?
अब वॉट आर द डिफरेंसेज बिटवीन हीनयाना महायाना, बिकॉज हीनयाना इज सेइंग, बुद्धा ने क्या कहा, बी योर ओन लैम्प। हीनयाना भी कह रहा है मैं रुक के क्या करूंगा, मैं रुक के क्या करूंगा, मेरे को जाने दो क्योंकि तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। बुद्धा ने क्या कहा है, बी योर ओन लैम्प, अच्छा काम करो, तपस्या करो, पहुंचोगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कह रहे हैं नहीं हम कर सकते, तो डिफरेंस दिख रहा है। तो इट मीन्स हु आर मोर क्लोजली फॉलोइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म, विनय पिता का, ऑर्थोडॉक्स, हीनयाना, लिबरेटेड वन, दिस वन। सो दे कीप ऑन यूजिंग बुद्धिस्ट थिंग, पाली, दे शिफ्टेड टू यूज ऑफ संस्कृत। बुद्धा ने क्या कहा है, आई एम नॉट ए गॉड, डोंट डू आइडल वर्शिप। तो यहां पे ये क्या नहीं करेंगे, आइडल वर्शिप नहीं करेंगे, ये तो भाई लिबरल लोग हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, तो ये क्या करेंगे, आइडल वर्शिप ये करेंगे, ठीक है। अब सीधे तो आइडल वर्शिप इन्होंने चालू नहीं करी, फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्टार्टेड वर्शिपिंग द सिंबल्स एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म और बुद्धा। क्या सिंबल्स हैं, एम्प्टी थ्रोन, बुद्धा फुटप्रिंट, पीपल ट्री। बुद्धा जिस ट्री के नीचे बैठे, जिसके नीचे बैठ के उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको निर्वाणा कहते हैं या जिसको एनलाइटनमेंट कहते हैं, उस ट्री का नाम क्या पड़ गया, बोधि ट्री। बट कोई ट्री होता है बोधि नाम से नहीं, ट्री कौन है, पीपल का ट्री है वो, तो पीपल ट्री के नीचे। तो ये अर्लियर एविडेंस नहीं है बुद्धा की, मतलब बुद्धिज्म की ह्यूमन फॉर्म में अभी पूजा नहीं करते थे, शुरू किस फॉर्म में करते थे, एसोसिएटेड फुटप्रिंट्स, अपना क्या कहते हैं, खाली सिंहासन, यानी कि एम्प्टी थ्रोन। इफ यू गो टू द सांची स्तूपा, द अर्लीस्ट स्तूपा विल नॉट शो बुद्धा इन अ ह्यूमन फॉर्म बट इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। देन सिंबल से कहां माइग्रेट कर गए, आइडल वर्शिप। यहां तक समझ में आया, चलो खत्म हो गया। अर्हत क्या, एनलाइटेंड वन बट विद द हेल्प ऑफ बोधिसत्व, इज ऑल्सो एनलाइटेंड वन बट ही इज फॉलोइंग फिलोसफी ऑफ महायाना, दे आर फॉलोइंग फिलोसफी ऑफ हीनयाना। अगर आप अर्हत बनोगे या बोधिसत्व बनोगे वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको चूज करना है क्या फॉलो करोगे, ये अलग बुक है, ये अलग बुक है, जिसको फॉलो करोगे वहां से मिलेगा, वो कहलाए जाओगे। एक आदमी को निर्वाणा मिला, एक टिकट आपका भी कट गया, टिकट उसका भी कट गया, आप जा रहे हो, आपने कहा मेरा टिकट कट गया तो ये बेचारा रह जाएगा, मैं पहले इसको सिखाऊंगा टिकट कैसे कटना है। इसकी टीचिंग, सर इफ यू कैन टेल अस दैट इज गिवन बाय तथास्तु आर ओके बिकॉज, अच्छी होंगी वो भी, अच्छे लोगों ने बनाई है, तो मेरे ऐसा करो वो भी पढ़ लो। देखो यार, जब आप एक तो देखो पूरी एनसीईआरटी है, एक उसको काट के कुछ बनाया है, तो इंपॉर्टेंट चीज ले ली गई होगी, तो आपकी श्रद्धा है, फिर मैं भी नोट्स दूंगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, बहुत सारे नोट्स हो जाएंगे, तो आपके ऊपर है, दिस डिसीजन हैज टू बी मेड बाय यू। मुझसे ये मत पूछो क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब अच्छा है, मैं भी दूंगा वो सबसे अच्छा। मैं क्या कह रहा था, यहां तक सब समझ में आ गया। अब फ्यूचर बोधिसत्वास, ये इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर नहीं सॉरी इंपॉर्टेंट बोधिसत्वास देख लो, फ्यूचर बुद्धा देख लो, क्योंकि बुद्धा कई आए कई गए। बुद्धा इज अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी, बुद्धा इज द नॉट द फर्स्ट बुद्धा, नहीं, एनलाइटेंड पर्सन और बुद्धा में अंतर है, एनलाइटेंड आप और मैं भी हो सकते हो, पर बुद्धा अभी क्या बताया, अरहत भी एनलाइटेंड वन है, बोधिसत्व भी एनलाइटेंड वन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बुद्धा एंड एनलाइटेंड वन। बुद्धा इज समवन हु हैज अटेन्ड एनलाइटनमेंट अकॉर्डिंग टू देयर ओन पाथ, और एनलाइटेंड वन कैन फॉलो द पाथ ऑफ अदर बुद्धास, कैन फॉलो देयर ओन पाथ, इफ दे आर फॉलोइंग देयर ओन पाथ एंड बिकमिंग एनलाइटेंड वन बुद्धा, इफ दे आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ शोन बाय अदर बुद्धा, बिकॉज बुद्धा इज अ टाइटल नॉट ए पर्सन, समझ गए। फ्यूचर बुद्धा विल बी मैत्रेयी, जब धर्म का हास होगा और आप जैसे लोग यूपीएससी पे ज्यादा ध्यान लगाएंगे, धर्म पे कम ध्यान लगाएंगे, मैत्रेयी विल कम एंड टीच यू दीज आर मेटलिस्टिक थिंग्स। कौन आएगा, फ्यूचर बुद्धा, और जो बोधिसत्वा है जिनकी पूजा हो रही है चाइना में, तिब्बत में, वो क्या है, उनके नाम हम देखेंगे, क्योंकि बोधिसत्वाज आर डिफरेंट फ्रॉम बुद्धाज, बुद्धा इज द ग्रेट वन, 32 कलाओं वाले, 64 कलाओं वाले, सारे एट्रीब्यूट्स किसमें होंगे, बुद्धा में, पर आप और मैं तो इमोर्टल, क्या है, मोर्टल वंस, वी कैन ओनली हैव सम एट्रीब्यूट्स, नॉट ऑल,
सो इफ वी आर वी हैव टू डिपिक्ट ए पर्टिकुलर एट्रीब्यूट ऑफ बुद्धा विच इज प्रेजेंट इन पर्टिकुलर बोधिसत्वा देन वी विल सी। जो बुद्धा है, बुद्धा के पास सब कुछ है। बुद्धा का एक एट्रीब्यूट है कंपेशन, है। तो बुद्धा का जो कंपेशन एट्रीब्यूट है, यह जो बोधिसत्व दिखाता है, उस बोधिसत्व का नाम है पदम पानी या अवलोकेश्वर। अब पदम पानी, पदम मीनिंग लोटस। तो इस बुद्धा की, इस बोधिसत्व की पहचान क्या है? इसके हाथ में क्या होगा? कई जगह मिलेगा आपको, जैसे ये भी मिलेगा, जब बुद्धा पैदा होने वाले थे तो सपने में क्या देखा? हाथी। कौन सा हाथी? व्हाइट हाथी, व्हाइट हाथी। चलो छोड़ो ना यार, कोर्स कैसे, 7 क्लास में एनसीईआरटी। बुद्धा को तो सब होगा, बुद्धा के पास सब है। बुद्धा क्या है? नारायण है। और आप क्या है? इंसान। तो पर आप अगर बोधिसत्वा बन जाएंगे तो आप ये देखो, ऐसे सोचो, बुद्धा के अलग अलग रूप हैं। बुद्धा का कोई पर्टिकुलर रूप, भगवान बहुत सारे हैं ना, कोई क्या है गुस्सा वाले भगवान है, कोई पानी बरसाने वाले भगवान है, कोई पानी, कोई आग वाले बरसाने हैं। पर शिव जी के पास तो सब पावर है ना, या वो कहेंगे मैं सिर्फ पानी बरसाऊंगा, इंद्र सिर्फ पानी बरसाएगा, शिव जी सब कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। बुद्धा सब कुछ कर सकते हैं, पर बुद्धा का सिर्फ एक रूप जो सिर्फ कंपेशन दिखाएगा वो क्या है? पदम पानी अवलोकेश्वर। देखो इसमें होगा कहाँ है, हाँ, लोकेश्वर, पदम पानी, अवलोकेश्वर, ठीक है, ये तीनों एक ही हैं, दिख रहा है इसमें। हाँ, तो बोधिसत्वा क्या है? बुद्धा का रूप। देखो कंफ्यूज मत हो, ब्राह्मण 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 भी हैं, ब्राह्मण पूजा वाले, ब्राह्मण इंटेलिजेंट लोग भी हैं, ब्राह्मण वैदिक लिटरेचर का एक पार्ट भी है। चंदन लकड़ी भी है, चंदन नाम भी है, चंदन कुछ और भी हो सकता है। तो बोधिसत्वा आपको क्या लग रहा है? मैं कहाँ पहुंच गया आप? आपको लग रहा है हीन या महायाना के लोग, यही लग रहा है ना। पर बुद्धा, बुद्धा बनने के पहले बुद्धा ने कई लाइफ ली। वो लाइफ कहाँ मिलेंगी? कहानियां जातक में, पता है आपको? नहीं है तो लिख लो, जातक स्टोरीज आर स्टोरीज ऑफ प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा एंड दे आर प्रेजेंट इन विच बुक? सुत्त पिता का। सुत्त पिता का में बुद्धा अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हैं, जातक स्टोरीज बता रहे हैं। दोज स्टोरीज आर कॉल्ड अस जातक स्टोरीज। जातक स्टोरीज आर स्टोरीज ऑफ अर्लियर बर्थ ऑफ बुद्धा। सो बुद्धा टू बिकम बुद्धा, बुद्धा हैज टू गो थ्रू सेवरल लाइफ। द अक्यूमुलेशन ऑफ गुड डीड्स ऑफ दोज लाइफ रिजल्टेड इन द फाइनल लाइफ वेयर ही बिकेम बुद्धा। इतना समझो, द बोधिसत्वज आर दीज बोधिसत्वज, स्पेशली दीज बोधिसत्वज आर गॉड्स ट्रीटिंग लाइक दे आर वर्शिप लाइक गॉड्स एंड दे आर शोइंग ए पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स ऑफ बुद्धा। ठीक, छोटे गॉड। तो ये जो बोधिसत्व हैं, इनका नाम पदम पानी अवलोकेश्वर या लोकेश्वर जो नाम है, ये क्या दिखाते हैं? कंपेशनेट साइड ऑफ बुद्धा। और इनके हाथ में क्या होगा? लोटस। अब बुद्धा तो क्या है? वॉरियर टाइप भी है, एंग्री भी हो सकते हैं। तो इनका जो रूप दिखाते हैं वो कौन है? वज्रपानी। वज्र किसके पास होता है? इंद्र के पास, समझ गए? तो इनके हाथ में हथियार होगा। और जो बुद्धा बुक वाले हैं, विजडम वाले हैं, वो हैं मंजूश्री। ठीक है, मंजूश्री बुद्धा कौन है? विजडम वाले बुद्धा, समझ गए? और फ्यूचर बुद्धा कौन है? जो आने वाले हैं, जैसे कल की नहीं आएंगे वैसे ये भी आएंगे। तो तुम पाप करते रहो, जितना ज्यादा करोगे जल्दी आएंगे। इफ यू वॉन्ट गॉड टू कम अर्ली, डू मोर अधर्मा। सो इन ए वे यू आर सेविंग दिस अर्थ बाय डूइंग अधर्मा, बिकॉज यू वॉन्ट गॉड टू कम। हंसते भी नहीं हो बिल्कुल। यहां तक खत्म। बुद्धिज्म, आपको बुद्धिज्म आ गया, यूपीएससी आज घर पे जाना, यूपीएससी के सारे सवाल कर देना और निर्वाण प्राप्त कर लेना छोटे लेवल पे, बोधिसत्वा वाले लेवल पे। अभी आपकी सारी कलाएं आपको नहीं आई हैं, जितनी कलाई सीखी सब लगा देना। पर आपको देख के लग रहा है आपने अभी आईवीसी वाली कला भी नहीं लगाई। एक पॉइंट रह गया, मैंने छोड़ दिया। हाँ बताओ।
मैं क्या बोल रहा था? लेटर महासंगीगा। व्हाट लेटर महासंगीगा? मैंने बोला ना कि ये जो महा, अभी मैं क्या बना? अभी बुद्धा को मरे हुए कितने से दिन हुए? 100 साल। और महायाना हीनयाना आया 300-400 साल बाद। तो अभी आपके जैसे वंश में आगे 300-400 साल बाद एक आपसे 500-600 लोग हो जाएंगे। उसी तरह महासंगीका और स्थवीरवादिन बाद में टूटते गए। जब बुद्धिज्म टूटते टूटते इतना हो गया तो मैंने ये कहा महासंगीका गेव राइज टू डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स, वो उनके नाम है। मैडम याद करोगे तो नंबर आ सकते हैं। इतना याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टिक मार सको। तो नाम याद भी ना रहे पर ये रहे कि ऐसा कुछ नाम इसका है। आगे बढ़ू, जैनिज्म चालू करूं? बुद्धिज्म पढ़ा दिया, जैन नाराज हो जाएंगे फिर। रिजल्ट और कॉज, रिजल्ट तो मैंने वर्ड यूज नहीं करा, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज और इफेक्ट, आपके दुख का, दुख क्या है? इफेक्ट है। आपके दुख का कारण क्या है? तृष्णा, डिजायर। डिजायर छोड़ दो, दुख चला जाएगा। नोट्स मिले? अरे मैडम सब है, बस रूप बदल गया है। देखो, फोर नोबल ट्रूथ, फर्स्ट पेज, सबसे नीचे फर्स्ट पेज। मैडम फर्स्ट पेज तो फर्स्ट पे होगा ना, फर्स्ट पेज में सेकंड लास्ट पॉइंट, फोर नोबल ट्रूथ। मिल गया? आगे बढ़ जाऊं? क्या बोला बताओ फिर। मैडम मैं तो इतनी बातें बोल देता हूँ, हाउ इज, या तो आप मुझे पॉइंट हिंट दो ना। यही तो बोला था, कैंडल नहीं, वो तो कंडीशन को प्रोडक्शन था। अरे कॉज इफेक्ट, अच्छा समझ गया। लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी एक्सप्लेन, द एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर वाला। देखो निर्वाणा इक्वल्स टू, क्वेश्चन आया यूपीएससी में 2013, निर्वाणा इक्वल्स टू, निर्वाणा मीनिंग, एक मीनिंग था एक्सटेंशन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर, एक था एंड ऑफ सोरो। तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, निर्वाणा मतलब एंड ऑफ सोरो, निर्वाणा इक्वल्स टू एंड ऑफ सोरो भी सही है, क्योंकि सारी दिक्कतें क्यों है? सोरो से है। पर निर्वाणा इज नॉट एंड ऑफ सोरो, निर्वाणा इज लीडिंग टू एंड ऑफ सोरो। निर्वाणा होते क्या हुआ? इच्छाएं खत्म हो गई। अरे नहीं हुआ यार, तुम अभी जहां मैं हूं वहीं रहो। निर्वाणा इक्वल्स टू एंड ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर, क्योंकि डिजायर खत्म हो गई इसलिए सोरो खत्म हो गया। सोरो निर्वाणा मिलते ही खत्म हुई, पर बीच में क्यों? क्योंकि आपकी इच्छाएं खत्म हुई, इच्छाएं खत्म हुई तो खत्म हुआ सर। अगली क्लास 11 से है ना? कैन बी एक्सटेंड दिस क्लास टिल 10:45 और 10:50? 10:40 तो कर सकते हैं क्या? तो क्या चाह रहे हो, जल्दी छोड़ दूं? मैडम आप नौकरी करोगे, आईएएस बन जाओगे, 24 घंटे नौकरी कराएंगे, तो क्या बोलोगे? सर मैं 6 घंटे कर ली। आई डोंट केयर इफ यू हैव 3, 4 और 5 क्लास, आई विल टेक माई क्लास। आज्ञा है आप सबकी आगे बढ़ने की? हाँ, तो पॉलिटी जो भाई तुम्हें तैयार किया जा रहा है फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, वो क्या है? पब्लिक ने तुम्हें घेर लिया, तुमको बांटने हैं चावल, तुमने नीचे वालों ने बांटे नहीं, तुम गए जायजा लेने के, मैं जाऊंगा, पब्लिक मेरे से कहेगी बहुत अच्छा काम किया, पब्लिक ने क्या बहुत गंदा काम किया, पकड़ के मारेंगे, फिर क्या करोगे? तो उससे तो अच्छी सिचुएशन में हो ना। पुलिस भाग गई, बोले भीड़ बहुत है सर, आ जाना घर। फिर आगे बढ़ो, डरा दिया ना, देखो तो इसलिए जिम विम जाना चालू करो, फिटनेस से बच जाओगे, कम और लगे। जैनिज्म, अरे बस बस मेरे साथ रहो यार, वी हैव ओनली लिमिटेड टाइम, ठीक है? जैनिज्म, जैनिज्म वर्ड्स केम फ्रॉम द वर्ड जीना। जीना मीन्स समवन हु हैज कंकर्ड, जीना इक्वल्स टू कंकरर, एंड हु इज द कंकरर? 24 तीर्थंकरर्स वर कॉल्ड एज कंकरर्स। तो नॉट ओनली वर्धवाना महावीर, बट एवरी तीर्थंकर कैन बी कॉल्ड एज जिना, द फॉलोअर्स ऑफ जिनास आर जेनास।
ठीक है जी, यहां तक समझ में आया? सेकंड, आ रहा हूं मैडम, तीर्थंकर। जब मैंने बुद्धा बोला तब तो आपने नहीं कहा बुद्धा मतलब, अब जैनिज्म बुद्धा, जैनी कौन है बुरा मानो। तीर्थंकर मतलब इनके टीचर्स। कितने तीर्थंकर हैं? क्या 21 नहीं 24 बुद्ध। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट तीर्थंकर है वो है वर्धमान स्वामी महावीर। महावीर टाइटल है, वर्धमान उनका नाम है। अब वर्धमान की थोड़ी पर्सनल हिस्ट्री जल्दी जल्दी से, आपको याद रहे ना रहे इसमें लिखा हुआ है, मैं जल्दी से बता देता हूँ। जिस तरह बुद्धा शाक्या क्लेन से थे, वर्धमान जनत्रिया क्लेन से थे। जनत्रिया क्लेन वॉज वन ऑफ द क्लेन जिन्होंने मिलकर वज्जी गणराज्य बनाया था। वज्जी गणराज्य की राजधानी वैशाली थी। वैशाली वॉज द कैपिटल ऑफ वज्जी रिपब्लिक। वज्जी रिपब्लिक हैज मेनी कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स वॉज लिच्छवीस। वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स वॉज जनत्रिया। जनत्रिया क्लेन में एक राजा थे सिद्धार्थ। सिद्धार्था के घर में एक वाइफ थी जिनका नाम था त्रिशाला। त्रिशाला वॉज द मदर ऑफ वर्धमान, बट एट द सेम टाइम बिफोर बिकमिंग द मदर एंड वाइफ ऑफ दीज पीपल शी वॉज द सिस्टर ऑफ लिच्छवी किंग। क्या नाम था? चेतक। और चेतक की डॉटर की शादी हुई थी बिंबिसारा से। बिंबिसार वॉज द चीफ वॉज द किंग ऑफ मगध एंड सन एंड द फादर ऑफ अजात शत्रु। अजात शत्रु कौन है? सो इट मीन्स वर्धमान महावीरा वॉज कनेक्टेड विद द रॉयल फैमिली ऑफ वैशाली लिच्छवीज ऑल्सो एट वेल एज मगधा ऑल्सो। यहां तक समझ में आया? चेतक कौन है, त्रिशाला कौन है, अपने लिच्छवी भैया कौन है, बिंबिसार कौन है, हाउ दे आर कनेक्टेड, सब यहां तक समझ में आया ना? हाँ, एक तो वैशाली यहाँ है अपने, कहाँ? हाँ, तो एक वैशाली वहां है बिहार नॉर्दर्न साइड में, तो वो वैशाली की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा सवाल है। एक बार मैं किसी स्टूडेंट से पूछा आप कहाँ के हो, बोले वैशाली। मैंने कहा इतनी दूर? बोला सर ये वाला कैपिटल वज्जी। वज्जी यहां तक आया समझ में? अब 24 तीर्थंकरा में सब तीर्थंकरा मतलब फोर्ड बिल्डर। दे आर बिल्डिंग ए ब्रिज बिटवीन दिस वर्ल्ड एंड नेक्स्ट वर्ल्ड। आपको कहाँ जाना है? सबको स्वर्ग जाना है, सबको वहां जाके डांस देखना है, यहाँ किसी को मेरे साथ नहीं रहना। व्हाट इज दिस हैपनिंग? सो ये बात है। इसमें सबसे 24 तीर्थंकर कौन है? अब हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे, कई जगह आपको कोई ये मिल सकता है। जैनिज्म के फाउंडर कौन है? पर गलत बात, क्योंकि ये तो 24 है, ऋषभ देव कौन है? इनको भी क्या बोलेंगे? अरे नहीं, जिना तीर्थंकर तो है ही। इनका सिंबल क्या है? बुल। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले हैं। शुरू के लोगों में बुल जरूरी है, भैया खेती करेंगे ना बुल। ये रहने वाले कहाँ के हैं? अयोध्या। 22 तीर्थंकर, अरे रुको यार, इनको आदिनाथ भी कहते हैं, नेमीनाथ। ठीक है, अब इनके सिंबल देख लो। सिंबल क्या है इनका? लायन। महावीर है ना, इनका क्या है? इनका क्या है? आप में से कौन जैन मंदिर गए? क्या आपने कभी देखा है वहां जो तीर्थंकर की मूर्तियां होती है उनपे नाम नहीं लिखा, क्या बना होता है? तो आप किसी जेना को अपने साथ मजे लेने के लिए लेकर जाना, तो बोलना वो तो लिख दिया मैंने, नाम हटा दिया, अब कैसे पहचानोगे? सब एक जैसे ही तो दिखेंगे, तो कैसे पहचानोगे? किसी जेना को मजे लेने के लिए ले जाना, ऐसा मंदिर ढूंढना जहाँ नाम नहीं लिखा, तो बोलना ये कौन है? आप बता दोगे, बोले बेवकूफ देख साइन कौन से है। हाँ बोलो, डाउट? अरे भैया क्या कहना चाह रहे हो? मैं भी तो ये कह रहा हूँ सेम दिखते हैं, पर कैसे पहचानोगे? अरे मान लो आपने एक गड्ढा खोदा अपने घर में,
अरे रुको यार, एक गड्ढा खोदा आपके घर में, वहां एक मूर्ति निकल आई, कैसे पहचानोगे? यूपीएससी पूछ सकता है ना कि सिंबल किसका क्या है, ना भी पूछे आपको यूपी स्टेट सर्विस भी तो देने हैं। समझ गए, मैंने अपनी बात यहीं में विराम देता हूं। इनका जन्म कहाँ हुआ, ये किसकी कैपिटल होगी, जहां के ये होंगे जनात्रिया, पार्श्वनाथ का जगह बताओ, इनकी जगह बताओ, यहां तक समझ में आया? अब पार्श्वनाथ ने चार व्रत दिए, कितने व्रत दिए आपको, चार चीजें मानोगे तो आप क्या होगे, ये ना हमारे फॉलोवर को चार चीजें माननी है, क्या? डोंट लाई, सत्य, मैडम जेना मतलब फॉलोवर्स ऑफ जीना, बताया था जीना मतलब कंकरर, कंकरर किसको टाइटल दिया, तीर्थंकर। वो दोबारा आपके डाउट शक्ल से लग रहा है, बहुत डाउट है, पूछो। नहीं, आपका नाम क्या है, पूजा नाम रख दिया, मतलब बस पूजा है, इसी तरह जीना, जीना का मतलब आपको मुझे मेरी तारीफ करनी है तो आप मुझे कुछ अच्छे अच्छे टाइटल दोगे, तो तीर्थंकरा को क्या टाइटल दिया आपने, कंकर कर लिया किसे, दुख सुख दुनिया, बारिश पानी आकाश पाताल, कंकर। तो और क्या बोला मैंने, देखो दोबारा बता देता हूं, जैनिज्म, जैन लोग हैं, जैन लोग फॉलोवर्स ऑफ जीना, जीना क्या है, टाइटल, फॉलोवर्स ऑफ जीना मतलब फॉलोवर्स ऑफ तीर्थंकर्स। अब समझ में आया, आप तीर्थंकर, आप तीर्थंकर को फॉलो करते हैं, तो यही तो लिखा पार्श्वनाथ, हाँ बनारस वाराणसी एक ही तो बात है, नाम चेंज हो गया, क्या कह रहा था मैं यार, आप तीर्थंकर को फॉलो करते हैं तो आप जैन हैं, आपका नाम जैन इसलिए क्योंकि तीर्थंकरों को जिना भी कहते हैं, और जिना का मतलब होता है कंकरर। आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ एम्पली क्लियर। आप अगर आपको फिर भी डाउट है क्लास के बाद, वेर आई वॉज, यहां तक आ गया सब समझ में? पार्श्वनाथ साहब ने कहा, भगवान ने कहा, जो भी आप बोलो, सर ने कहा, क्या बोला, इफ यू आर माई फॉलोवर आई एम गिविंग यू फोर वोज, फोर वचन, आप ये चालू बातें मानो, क्या बातें हैं वो, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, नॉन अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ एंड डू नॉट स्टील। समझ में आया, ये चार बातें आप मानोगे तो आप मेरे फॉलोवर हो। बाद में आए महावीर जी, महावीर जी ने कहा चार तो ठीक है, लेट मी एड वन मोर, नॉट नॉन अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, आपको जितनी जरूरत है उतना ही रखो, चीजें सजा सजा के मत रखो, आपको एक चेयर चाहिए तो एक ही चेयर रखो, दूसरी चेयर पे अपना बैग, तीसरे पे अपना मोबाइल, चौथे पे अपना पैर। यहां तक समझ में आया, महावीर साहब ने कहा कि चार चीजें अच्छी हैं, पांचवी चीज और करो सेलिबेसी, तो अब कितने वाउज हो गए, छह, कहां से हो गए पांच, आगे बढ़ जाऊं, नोट्स में है सब, आगे बढ़ जाऊं, हां कि ना, हाँ तो जवान लोगों हो तुम, पहली क्लास में मर गए तुम, चलो पांच हो गया, ये पांच क्या है, व्रत, व्रत मतलब वोस, इनको क्या बोला गया, अब इस वोस को फॉलो करने वाले कौन है, जैन, पर भैया सेलिब्रेसी रहोगे तो जैन तो खत्म हो जाएंगे, तो बोला गया दो तरह के व्रत कर दो, महाव्रत और, महा मतलब बिग, और ये है अनुव्रत, अनुव्रत विल बी फॉर कॉमन फॉलोवर्स और दीज विल बी फॉर मॉन्क्स, तो इसमें सेलिबेसी का मतलब हो गया बी ट्रू टू योर पार्टनर, समझ गए, एडल्ट्री नहीं करनी है, यहां तक समझ में आ गया, आ गया ना, हाँ के ना, बुद्धा बोले मिडिल पाथ, ये बोले सेवियर पेनेंस करो, कपड़े वपड़े मत पहनो, और ठंडी लगे गर्मी लगे मतलब सेवियर पेनेंस करो, अपने चीजों को ठीक करो, समझ गए, ये अंतर है दोनों में, सीवियर पिनेंस मिडिल पाथ, अंतर समझ में आया। अगला बात, अरे आ रहा हूं ना यार, क्या मैंने क्लास खत्म कर दी,
लेट मी फर्स्ट कंप्लीट, क्योंकि अब मुझे स्ट्रेस हो रहा है, टाइम कम है, तो डोंट टेस्ट माय पेशेंस। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें अकॉर्डिंग टू जेनी, बुद्धा ने क्या कहा, क्या नहीं है सोल, नहीं, जेनिज्म क्या कहते हैं, मैं डिफरेंस बता रहा हूं दोनों के। जेनिज्म क्या कह रहे हैं, कण कण में आत्मा, एवरी पार्टिकल ऑफ दिस वर्ल्ड हैज ए सोल, इवन स्टोन हैज ए सोल, एवरी पार्टिकल ऑफ दिस वर्ल्ड हैज ए सोल, सो प्लीज डोंट हर्ट एनीथिंग। बुद्धा ने ये नहीं कहा, बुद्धा ने कहा हर चीज में मिडिल पाथ है, मिडिल पाथ है मतलब एवरीथिंग शुड बी इन प्रोपोर्शन, मिडिल पाथ। यू कैन ईट मीट इफ दैट पर्सन इज नॉट किल्ड बाय यू, इफ पर्सन, इफ दैट एनिमल इज नॉट किल्ड बाय यू, नेचुरल डेथ हो गई खा सकते हो, एक्सट्रीम सिचुएशन खा सकते हो। इन्होंने कहा नहीं, मन क्रम वचन, इवन द वायलेंस ऑफ थॉट इज प्रोहिबिटेड। एंड वहां पे त्रिपिटक का है, यहां थ्री ज्वेल्स हैं, यहां क्या है, तीन चीजें रखनी है टू गेट द केबीसी, देख खेले हो कौन बनेगा करोड़पति बना रहे हैं आपको, हैव द राइट नॉलेज, हैव द राइट बिलीफ, हैव द राइट कंडक्ट, नहीं याद करने में इजी रहेगा ना, बाय हैविंग द राइट नॉलेज, राइट बिलीफ एंड राइट कंडक्ट यू कैन गेट निर्वाणा। हियर ऑल्सो निर्वाणा मीन बाय एंडिंग द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। अब इसमें कॉन्सेप्ट है टाइम का, टाइम का कॉन्सेप्ट इसमें कैसे है, टाइम, हाँ इसमें कह रहे हैं भगवान की जरूरत नहीं है दुनिया को चलाने के लिए, गॉड की जरूरत नहीं है, देयर इज नो गॉड इज नीडेड टू रन दिस वर्ल्ड, दैट इज वाई बाय जस्ट फॉलोइंग द फिलोसफी और आइडियाज और पाथ शोन बाय द, थक गए क्या, तीर्थंकराज, यू कैन लीड टू पाथ ऑफ निर्वाणा, निर्वाणा इज, समझ गए क्या है। अब ये टाइम है, खराब टाइम आएगा और फिर अच्छा टाइम आएगा, सत्युग कलयुग टाइप है, यहाँ पे क्या है सबसे अच्छा टाइम है, यहाँ पे क्या है सबसे बुरा टाइम है। जब आप अच्छे टाइम से बुरे टाइम की तरफ जाओगे वो क्या है, अवसर पानी, जब बुरे से अच्छे की तरफ जाओगे तो वो है उत्सर पानी, और लाइफ इज गोइंग ऑन अराउंड एंड अराउंड इन दीज सर्कस, मतलब टाइम कैसे है जा रहा है आ रहा है जा रहा है आ रहा है, हर एक टाइम हाफ सर्कल में क्या होगा, 24 तीर्थंकर आएंगे, क्या आएंगे, तो इस अवसर पानी में 24 आ चुके हैं, जब बुरा बुरा टाइम आ जाएगा कलयुग बहुत ज्यादा आ जाएगा और फिर अवसर उत्सर पानी चालू होगा, तो इसमें भी 24 तीर्थंकर आएंगे, क्योंकि आप लोगों की नॉलेज चली जाएगी, और टोटल 61 शलाका पुरुष आते हैं, कितने अच्छे लोग आते हैं, 61 विल बी द शलाका पुरुष, गुड पुरुष, ग्रेट पर्सनालिटीज, हु विल शो यू राइट पाथ इन दीज 61 शलाका पुरुषास, अमोंग दीज 61 शलाका पुरुषास 24th वर विल बी तीर्थंकर्स, क्या डाउट है, क्या समझ नहीं आया, लाइफ कैसे चलती है, आपने कालखंड में चलती है, टाइम पीरियड में चलती है, वर्ल्ड बना, वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हुआ, फिर वर्ल्ड बना, यहां समझ में आया, वर्ल्ड बना और वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हुआ उसको उस पीरियड में 24 तीर्थंकर आएंगे, तो वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा सारों समझ, उसमें उसके बाद फिर अब रिकंस्ट्रक्शन का टाइम चालू होगा, तो रिकंस्ट्रक्शन के टाइम में आप सबसे अच्छे टाइम पे पहुंच जाओगे, वो एक हाफ साइकिल है, अच्छे टाइम से सतयुग से कलयुग, मैं सिर्फ टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, अच्छे टाइम से बुरे टाइम में भी 24 तीर्थंकर आएंगे, फिर आपकी नॉलेज खत्म हो जाएगी, फिर बुरे टाइम से अच्छे टाइम की तरफ जाना है, अब सब बुरा बुरा हो गया, इससे ज्यादा बुरा कुछ हो नहीं सकता, अब सिर्फ अच्छा होगा, तो अच्छे टाइम को बोलेंगे उत्तर पानी, जब अच्छे टाइम की तरफ जा रहे हो, दिस इज द मोस्ट अच्छा टाइम, दिस इज द मोस्ट बेड टाइम, तो बुरे से अच्छे, अच्छे से बुरे की तरफ आ रहे हो तो गिर रहे हो, टाइम को क्या बोलेंगे अवसर पानी, जल्दी जल्दी जल्दी, अच्छे और बुरे में 24 तीर्थंकर आते हैं, ये वाला टाइम जो है कौन सा होगा, मेरे ख्याल से बुरा की तरफ जा रहे हो, जब अच्छे की तरफ जाओगे, क्या अभी अच्छा अच्छा चल रहा है बुरा बुरा हो रहा है, खत्म, इतना ही पढ़ना है, खत्म, इतना ही पढ़ना है, फिलोसफी की क्लास नहीं है, क्या हो गया, यहां तक आ गया अवसर पानी उत्सर पानी, यहां तक समझ में आ गए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सोल, हर जगह में आत्मा है, समझ गए, पत्थर पानी आकाश आत्मा कण में, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आत्मा से आगे बढ़ते निर्वाणा के लिए, व्हेन यू, अभी आप पैदा हुए हो, बिल्कुल पैदा हुए हो, आप एक प्रकाश पुंज हो, योर सोल इज लाइक शाइनिंग लाइक ए लाइट बल्ब, पर जैसे ही इस दुनिया में आए क्या करना पड़ेगा, कर्म, जैसे ही आपने कर्म स्टार्ट करे, आइदर यू विल डू गुड कर्मा और बेड कर्मा, बोथ कर्माज बिकॉज ऑफ योर एक्शंस अट्रैक्ट
themselves towards your light, that is soul, and it will shadow your light, light of soul. Like there is a mirror, अभी अभी दुकान से लाए हो, shining, light पड़ेगी तो चमकेगा. आपके आप थोड़े आलसी हो, आपने घर में सफाई नहीं करते, धीरे धीरे उस कांच के ऊपर क्या जम जाएगी, धूल, डस्ट जम जाएगी. डस्ट जम जाएगी तो लाइट मारोगे तो चमकेगा कांच. सो इट इज लाइक योर सोल, वेन यू आर इन द प्योर स्टेट, इन ए ब्लिस स्टेट, इट इज योर सोल इज लाइक ए लाइट. बट बिकॉज यू आर इन दिस वर्ल्ड, यू विल डू सम कर्मास, द टाइम यू विल स्टार्ट डूइंग कर्मास, कर्मास, अच्छे कर्मा बुरे कर्मा, बोथ विल अट्रैक्ट सम डस्ट पार्टिकल्स, सम कर्मा, दोज कर्मा पार्टिकल्स विल अटैच देम सेल्फ टू द सोल एंड इट विल ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट एंड द ट्रू नॉलेज नहीं आया, डोंट पुट ट्रू योर ट्रू नेचर. दीज कर्मा पार्टिकल्स विल अटैच देम सेल्फ विद योर सोल एंड बिकॉज नाउ your path to nirvana obstructed. Suppose to attain nirvana you have to make your soul again that light wala full. So how you will do it? Till this time you will be in this world, things will get happening. So if you do good karmas, your next life will be good. If you do bad karma, your next life will be bad, kyunki some particles, karmic particles is getting attached with your life, this soul. But वॉट यू आर एम, नॉट टू कम इन दिस वर्ल्ड. बहुत गंदी जगह है, बहुत खराब लोग हैं, मेरे को यहाँ घर जाना है. घर कहाँ है भगवान? उसके लिए क्या करना है? निर्वाणा चाहिए. मैडम डाउट है आपको, योर बॉडी गेस्चर इज शोइंग यू आर नॉट कम्फर्टेबल. तो अब आपको अपने कर्मा खत्म करने हैं, कर्मा खत्म करने हैं. तो कर्मा खत्म, अच्छे बुरे दोनों खत्म करने हैं. तो आपको क्या करना पड़ेगा? संलेखना, कर्मा छोड़ के एक्सट्रीम पिनेंस करना पड़ेगा. एक्सट्रीम पिनेंस करते करते आप मर जाओगे, फिर आपको निर्वाणा मिल जाएगा. समझ गए? यहाँ तक समझ में आया? कुछ दो और इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं, अनेकांतवाद और शायदवाद. अकॉर्डिंग टू बुद्धा ने क्या कहा? कर नॉलेज कैन लीड टू निर्वाणा. तो बुद्धा का मार्ग कौन सा मार्ग है? ज्ञान मार्ग. बुद्धा प्रोपोगेटेड नॉलेज पाथ, पाथ ऑफ नॉलेज. बाय एक्वायरिंग द ट्रू नॉलेज यू कैन अटेन, लिख लो, बुद्धा प्रोपोगेटेड ज्ञान मार्ग, नॉलेज मार्ग. बाय फॉलोइंग द राइट नॉलेज, बुद्धा प्रोपोगेटेड द ज्ञान मार्ग, नॉलेज मार्ग. अकॉर्डिंग टू बुद्धा, बाय गेटिंग द राइट नॉलेज यू कैन अटेन निर्वाणा. बट अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, नॉलेज कैन नॉट लीड टू. लिखा है ना, देखो मैडम लिखा हुआ है इसमें, पर मैं बोल देता हूं. अकॉर्डिंग टू बुद्धा प्रोपोगेटेड ज्ञान मार्ग, नॉलेज मार्ग, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म वन कैन अटेन निर्वाणा बाय फॉलोइंग द राइट नॉलेज. यहां तक समझ में आया? अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, नॉलेज ऑफ ए इंडिविजुअल इज लिमिटेड. According to Jainism, knowledge of an individual is limited. That is why one cannot have right knowledge. That is why one cannot have nirvana only through knowledge. सिर्फ 24 लोगों के पास पूरी नॉलेज है. कौन? पर इंसान, आप हो मोर्टल वंस. रिपीट करूं क्या? कहां पे हो मैडम? That is why individual cannot have complete knowledge and cannot attain nirvana on the basis of knowledge alone. अब ठीक है? Complete knowledge किसके पास है? तीर्थंकरास. You cannot be तीर्थंकरास. इसलिए आप क्या बोलोगे? आपको अगर पूरी knowledge एक हाथी है तो आपको सिर्फ हाथी की पूंछ दिखेगी, हाथी की सूंड दिखेगी, हाथी का ट्रंक, हाथी की टेल, हाथी का पांव. You cannot see the full elephant. Elephant can be seen by तीर्थंकरास. That is why what is for you? सल्ले खाना. Next, two concepts were propagated to highlight the limited knowledge of individual. क्या लिखा है बुक इसमें? शायदवाद और अनेकांतवाद. शायदवाद, the doctrine of maybe. अनेकांतवाद, doctrine of many point of views. The doctrine of many point of view is can be understood by the this example, हाथी वाला example. Many point of view. आपको क्या दिखा? पूछ. आपने कहा ये हाथी का है, पूछ है. आपने कहा नीनी ट्रंक है, आपने कहा नीनी पैर है. यू ऑल आर करेक्ट बट योर नॉलेज आर लिमिटेड. तो रेस्पॉन्स
आर लिमिटेड, बट यू आर राइट बट नॉट कम्प्लीटली. हु इज कम्प्लीटली राइट? मी नहीं, मी मैं बता रहा हूँ ना. समझ गए यहाँ तक? समझ में आया? वहां चार काउंसिल हुई, यहाँ कितनी काउंसिल है? तो बुद्धा की जैनिज्म में जब डेथ हुई उनकी, क्या हुआ क्या हुआ? अच्छा, अकॉर्डिंग टू परिशिष्ट परवणा ऑफ हेमचंद्र सूरी, लिख लो. लिख रहा हूं मैं, दो मिनट, मैं देख रहा हूं इसमें नहीं है ना. हाँ लिख लो, मैं लिख देता हूं. अकॉर्डिंग टू परिशिष्ट परवणा ऑफ आचार्य हेमचंद्र सूरी, आई एम रिपीटिंग, अकॉर्डिंग टू परिशिष्ट परवणा ऑफ, ये बुक का नाम है, आचार्य हेमचंद्र सूरी, टाइम पीरियड 12th सेंचुरी, चालुक्य किंग, चालुक्य एम्पायर, हेमचंद्र सूरी. ये आचार्य हेमचंद्र सूरी जैनी, जैनी मॉन्क है, कहां रह रहे हैं? 12th सेंचुरी, कहां पे? चालुक्य किंगडम, गुजरात. अकॉर्डिंग टू परिशिष्ट परवणा ऑफ आचार्य हेमचंद्र सूरी, मौर्य किंग चंद्रगुप्त मौर्य परफॉर्म्ड सल्लेखाना. समझ गए? सल्लेखाना, डेथ बाय स्टारवेशन, टू अटेंड द निर्वाणा अकॉर्डिंग टू जैनी फिलोसफी. कहां पर हुआ ये काम? श्रवण बेलगोला. आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी स्टेचू है जिसके ऊपर से दूध वूध गिराते रहते हैं जैनी मॉन्क्स की. कहां है? श्रवण बेलगोला. तो वेयर द चंद्रगुप्त मौर्य परफॉर्म्ड सल्लेखाना, श्रवण बेलगोला. द स्टेच्यू ऑफ श्रवण बेलगोला इज ऑफ बाहुबली, गोमतेश्वर बाहुबली, लिख लो. श्रवण बेलगोला का जो स्टेच्यू है, इट इज ए स्टेच्यू ऑफ गोमतेश्वर बाहुबली. वो क्या है? तीर्थंकर नहीं है, याद रखना. रिपीट करूं, द स्टेच्यू ऑफ गोमतेश्वर बाहुबली इज प्रेजेंट एट श्रवण बेलगोला. श्रवण बेलगोला में किसकी स्टेच्यू है? गोमतेश्वर बाहुबली. और वो क्या नहीं है? तीर्थंकर नहीं है, इज अ जैनी मॉन्क, ठीक है. और किसने वहां पे सल्लेखाना किया? अकॉर्डिंग टू परिशिष्ट परवणा ऑफ आचार्य हेमचंद सूरी 12th सेंचुरी. अब यहां पे क्या हुआ? इसी चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा था, इन 300 बीसी अकाल पड़ा. कहां पर? मगध में. आपने क्या सब पहले पढ़ रहे हैं या क्लासेस कहीं कर रखी है? ठीक है, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ. नहीं यार, अभी आई है वन मिनट जल्दी मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. 300 बीसी में अकाल पड़ा. जैनिज्म ने कहा क्योंकि हम कपड़े नहीं पहनते हैं, तो हमारे में, मॉन्क्स में और आम आदमी में अंतर नहीं है, लेट अस स्टार्ट वियरिंग व्हाइट क्लोथ्स. व्हाइट क्लोथ से पता लगेगा जैनिज मॉन्क्स हैं. कुछ लोगों ने कहा गलत हो रहा है, ऐसा नहीं कहा है. जिन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, हम अभी भी कपड़े नहीं पहनेंगे, वो कौन है? दिगंबर. जिन्होंने कहा नहीं, हम व्हाइट कपड़े पहनेंगे, वो कौन है? श्वेतांबर. अंतर हो गया? हीनयाना महाने टाइप. दिगंबर लोग कहाँ चले गए? श्रवण बेलगोला. जो लोग रह गए मगध में, वो है श्वेतांबर. तो जो रह गए, उन्होंने स्थूल भद्रा ने उनका हेड करा. जो भद्रबाहु है उसके साथ कौन चले गए? भद्रबाहु वॉज द लीडर ऑफ. इनके साथ ये लोग कहां चले गए? साउथ, ठीक है. और जो रह गए उनके लीडर थे, ये कहां रह गए? मकद में. इन्होंने लीड करा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल. द ट्रू नॉलेज ऑफ ऑल द 24 तीर्थंकर्स वर गिवन इन 14 पूर्वास. दीज 14 पूर्वास लेटर कंपाइल्ड ड्यूरिंग दिस फर्स्ट काउंसिल एंड नेम्ड अस 12 अगमास. अगम मतलब चैप्टर्स, समझ में आया. उसके बाद सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, वो इसमें लिखा हुआ है. और ये श्वेतांबर और दिगंबर में सबसेक्ट हो गए. श्वेतांबर के अंदर भी दो सेक्ट है, 13 पंथी श्वेतांबर और स्थानक वाणी श्वेतांबर. स्थानक में कोई मूर्ति नहीं होती है, लिख लेना उसमें. स्थानक मीन्स नो आइडल वर्शिप, लिख लो इसमें. लास्ट पेज, इसके पहले के मुझे भगा दे ये लोग, जल्दी लिख लो. लास्ट पेज मतलब लास्ट पेज होता है, लास्ट पेज में लास्ट पॉइंट, लास्ट पेज. स्थानकवासी लिखा है,
देखो श्वेतांबर हैज टू इंपोर्टेंट सबसेक्स, स्थानकवासी, स्थानकवासी नो आइडल वर्शिप। अच्छा तो चलो आइडल वर्षी बटा लो, स्थानकवासी श्वेतांबर है, यहाँ पे हम अभी एग्री करते हैं, कल इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और तेरापंथी भी इनका सबसेक्ट है, और दिगंबर में तेरापंथी दिगंबर एक सबसेक्ट है, ठीक है। आई विल रेस्ट माय केस, कोई डाउट हो तो। सब कवर हो गया ना, कुछ है डाउट? अब तो क्लास खत्म हो गई, कैन आई टेक डाउट्स?